नमस्कार दोस्तों, आज सभी को मैं इस टीचर्स डे पे बहुत बधाई देता हूँ। जब हम टीचर शब्द ही कहते हैं तो जुबान ही नहीं दिल तक भर जाता है, जहन में कितना कुछ कौंध जाता है, कितने कितने मेहनत से हमें यहाँ तक पहुँचाया गया है। मैं आज इस शुभ दिन पर एक बहुत अच्छे टीचर हमारे साथ हैं, उनके साथ बातचीत करने का सौभाग्य मुझे मिला है और मैं समझता हूँ हम सबको ये सौभाग्य मिला है। तो आइए जरा उनसे बातचीत करते हैं। मैं स्वागत करता हूँ प्रोफेसर अरुंधति पालूवाले जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार। आपका आज की बातचीत में। आपको सबको अध्यापक दिवस की शुभकामनाएं। टीचर्स डे मुबारक। बहुत धन्यवाद सर। और सर, मैं आज का जो दिन है हमने खास तौर पे चुना है और एक बहुत ऐसा टॉपिक चूज किया हम लोगों ने जो आपके दिल के तो करीब है ही है। जो मैं लोगों को, जब मैं विजिट करता हूँ म्यूजियम्स, तो देखता हूँ कि लोग कितना एक्साइटेड होते हैं, बच्चे कितना खुश होते हैं। तो आपका जो परिचय है, थोड़ा सा अगर आप संक्षेप शब्दों में हमें दें तो सुनने वालों को पता लगेगा कि वो कौन से टीचर से बात कर रहे हैं, थोड़ा जरूरी हो जाता है। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आप। आज से मैं एक जियोलॉजिस्ट हूँ, पेलेंटोलॉजिस्ट हूँ एक्चुअली, जी और चांस है कि पर्यावरण में रुचि हर जियोलॉजिस्ट को होती है। जी और कुछ 20-25 साल पहले, आई वुड से ग्रेट कोइंसिडेंस के मैं पर्यावरण के बारे में भी बातचीत करने लग गया। जी और मैं तब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में होता था। मैंने एमएससी की है पंजाब यूनिवर्सिटी से, और मसूरी मेरा पीएचडी एरिया था। तो मैं रिसर्च किया 2 साल, पर हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में 1966 में जब मैंने ज्वाइन किया था, वी हैड अ ट्रेडिशन ऑफ विंटर साइंस फेस्टिवल। सर्दियों की छुट्टियां नहीं होती थी, हमारा म्यूजियम खुला होता था और जनता आती थी। म्यूजियम छोटा था, इतना बड़ा नहीं था जितना अब है, पर वो एम आर साहनी साहब के टाइम से वो ट्रेडिशन चली थी, जो हमारे फाउंडर हेड थे, हमारे जो फेमस प्रोफेसर अशोक साहनी हैं उनके पिताजी थे, बीरबल साहनी साहब के छोटे भाई थे और रुचिराम साहनी के बेटे थे। तो एक बहुत महान पर्सनैलिटी के द्वारा बनाया गया एक म्यूजियम हमारा एक ओपन क्लासरूम था, जिसमें बहुत जनता आती थी। और हम विद्यार्थी के रूप में, फर्स्ट ईयर बीएससी के विद्यार्थी के रूप में, कुछ बड़े बड़े प्रोफेसर थे हमारे, प्रोफेसर बीएस तिवारी साहब और प्रोफेसर भाटिया साहब, जैन साहब और आईसी पांडे साहब, जो वहाँ पे मौजूद होते थे। खाली ये नहीं कि हम खड़े हैं, हमारे हमने उनसे सीखा जनसाधारण से को भूविज्ञान में, कुदरत में, मदर नेचर में एक रोमांच दिलाना, एक मजा कराना उनको उसका। तो वो बस एक चलता गया। और ये जो मेरी बातचीत की प्रथा है, और मेरे को बातचीत का जो हिंदी में जिसको बोलते हैं चस्का है, ये तकरीबन 54 साल पुराना है, 54-55 साल पुराना है। तो मैं, मेरी उम्र 72 की होने वाली है नवंबर में, पर उस वक्त मैंने विद्यार्थी के रूप में ये सीखा था कि अगर आप जनता को, जनसाधारण को, कुछ भी उम्र हो, पढ़े लिखे हो या ना हो, कुछ बताएंगे रॉक्स के बारे में, फॉसिल्स के बारे में, धरती के इतिहास के बारे में, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, भूचाल के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, उस बताने के प्रोसेस में जो सवाल पूछती है जनता, और बच्चे छोटे, हमसे भी छोटे, हम भी बच्चे ही थे, 17 साल की उम्र थी दिसंबर 1966 में। तो उस प्रोसेस में जो हम सीखते हैं, उससे बढ़िया सीखने का तरीका नहीं। और जब साथ में बड़ा एक अध्यापक खड़ा हो, ऐसी पांडे साहब की पर्सनैलिटी वाला, या एसबी भाटिया साहब के जैसा, या बी एस तिवारी साहब के जैसा, तो वो मौके पे देखते थे और हमें उनसे प्रेरणा मिलती थी कि हम उनको बढ़िया से बढ़िया एक्सप्लेनेशन जनता को करके दिखाएं। तो ये जियोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी की ट्रेडिशन थी, जो उन अध्यापकों ने, इसको आज की तारीख में अंग्रेजी में आउटरीच कहते हैं, उस वक्त ये शब्द नहीं था, पर इफेक्टिवली हमारा डिपार्टमेंट एक खुला स्कूल था वो विज्ञान का, और सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी भी ताजा ताजा बना था, हमारे आने से पहले ही बन गया था। तो ये वहां से हमारी ये बातचीत शुरू हुई। और मुझे तब भी लगता था और आज भी लगता है कि एक नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम से बढ़िया कोई जगह नहीं होती। ये एक खुली किताब होती है कुदरत की,
और एक ग्रंथ जिसको बोलते हैं महाग्रंथ है कुदरत का, जिसमें सिर्फ आपको कोई कुछ भी नहीं बताने वाला, तो एक बार गुजर जाइए और मजा लीजिए। जो नजर के जरिए जो ज्ञान जाता है आपके दिल में उतर जाता है, वो कभी भूलता नहीं। तो उसके बाद में मुझे हमेशा ये रहा कि म्यूजियम में ही मैं, कोई पॉपुलर लेक्चर होता था मेरा, इतना मैं कहूँगा इतना बदनाम हो गया था म्यूजियम में खड़े होकर लेक्चर देने के लिए, कि कोई भी कहीं पे आजू बाजू में वर्कशॉप होती, चाहे फिजिक्स में होती, चाहे बायोटेक्नोलॉजी की होती, चाहे अंग्रेजी वालों की होती, तो उनका था कि भाई साहब आप जरूर जाइए जियोलॉजी डिपार्टमेंट के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में। तो तब तो हम बच्चे थे, हमने देखा पांडे साहब को, हमने जाकिर हुसैन साहब को जो प्रेसिडेंट थे हमारे, उनको जियोलॉजी दिखाते हुए, उस जमाने के वाइस चांसलर साहब भी बड़े बड़े वीआईपी होते थे। हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा कोई वीआईपी नहीं था देश का विदेश का जो आया हो चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में और हमारे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में ना आया। जो हमारा जो रजिस्टर है विजिटर्स बुक जो है, मुझे याद है 2009 में एमजीके मेनन आए थे, जो बड़े मशहूर वैज्ञानिक थे और मिनिस्टर भी रहे थे, वो आए थे। तो लंच था, नासी की मीट थी सबके सामने करवाई हुई थी, मैंने उनको कहा कि साहब जरा हमारा म्यूजियम भी देखिए। तो एक प्रथा चल पड़ी थी उस वक्त से ये देखने की, और म्यूजियम में विजिटर्स को वेलकम करने की, और वहाँ पे चलते फिरते कुछ मिनरल दिखा दिया, कुछ क्रिस्टल दिखा दिए, कुछ जेम्स दिखा दिए, कुछ फॉसिल दिखा दिए। बाद में वहाँ पे पानी साहब के टाइम पे डायनासोर की फॉसिल एग्स की, बोन्स की, स्कल की एक एडिशंस होते गए। हमेशा जो भी वैज्ञानिक आते गए, चाहे गेस्ट थे, चाहे हमारी अपनी फैकल्टी थी, रिसर्च स्कॉलर थे, वो एडिशंस होती गई। तो आज की तारीख में हमारा जो म्यूजियम है नेचुरल हिस्ट्री का, उसकी एक एक्सटेंशन बन गई दस सेक्टर में, क्योंकि सानी साहब को जनरल जैकब जो उस वक्त के गवर्नर थे उन्होंने इन्वाइट किया। ये एक बड़ा भारी सम्मान था पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए और अशोक सानी साहब के लिए कि आप दस सेक्टर में, सेंटर ऑफ द सिटी में, उस लेक और विजे की फेमस बिल्डिंग में एक डायनासोर गैलरी बनाइए। एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर जे सी शर्मा ने मैन गैलरी बनाई और बाद में यही हम कहेंगे हमारी एक्सटेंशन बन गई। बिना एक पैसा खर्चे हमारी तरफ से हमें वो जगह मिल गई और पैसे मिले और एक शोहरत मिली, एक पार्टनरशिप मिली। बाद में अशोक सानी साहब ने कपूरथला साइंस सिटी में लाइफ साइज डायनासोर्स का एक हब बनाया क्लाइमेट चेंज का। मैं भी जहाँ जहाँ सानी साहब, क्योंकि सानी साहब ने मुझे क्लासरूम में नहीं पढ़ाया, पर उन्होंने मुझे फील्ड में और बातचीत में, मैं उनको आउटरीच का अपना गुरु मानता हूँ, और उनके जरिए ही मैं जाना एम आर सानी साहब को और उनके दादाजी रुचिराम सानी साहब को, तो और बीरबल सानी साहब को। तो ये एक आउटरीच की एक एग्जाम्पल थी, बड़ी अद्भुत एग्जाम्पल थी, जो एक पूरे खानदान ने पीढ़ी से पीढ़ी तक निभाई और हमने वो प्रेरणा वहाँ से मिली। और आज हम, मैं अपने आप को एक आउटरीच स्टूडेंट बोलता हूँ। मैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में 10 साल रहा हूँ और पंजाब यूनिवर्सिटी से 2014 में फाइनली री एम्प्लॉयमेंट के बाद में यहाँ से मैं रिटायर हुआ हूँ, पर मैं आज भी अपने आप को एक छोटा सा अध्यापक कुदरत का और नेचुरल हिस्ट्री की एक्साइटमेंट्स का। वही एक मेरा मिशन है कि आखिरी दम तक हम ये जो टीचर्स डे में मैंने ये सोचा कि म्यूजियम से बढ़िया कोई क्लासरूम नहीं, और दुनिया के जो मोस्ट फेमस म्यूजियम्स हैं आज की तारीख में, थैंक्स टू कोरोना, हमें सर, मैं जस्ट आई एम फिनिशिंग, तो हमने यूट्यूब से दुनिया के बेस्ट म्यूजियम, चाहे वो जापान का हो, चाहे लंदन का हो, न्यूयॉर्क का हो, वाशिंगटन डीसी का हो, स्मिथसोनियन हो, वो देखने की हमें एक चाहत हुई, अपॉर्चुनिटी हुई, एक फुर्सत हुई, जो हमने अपने छोटे छोटे बच्चों को भी, घरों में अपने मित्रों को भी बताया कि म्यूजियम हमेशा आप जा नहीं पा रहे हो ना, आजकल फुटफॉल वहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि बंद था, तो आप नेट के माध्यम से भी बहुत सारे म्यूजियम देख सकते हो। आप कुछ कह रहे थे? मैं सर ये बहुत तन्मयता से सुन रहा था जो आप बता रहे थे, लेकिन क्योंकि आज का सेशन हमारा कुछ छोटे बच्चे भी देख रहे हैं, तो एक जो म्यूजियम, कुछ बच्चे गए भी नहीं होंगे कहीं, तो थोड़ा सा अगर म्यूजियम की डेफिनेशन, म्यूजियम क्या होता है, अगर थोड़ा सा इस पे टच कर लेते हैं हम लोग, तो उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
एक्चुअली जो मेरी प्रेजेंटेशन है जब मैं खोलूंगा जी उसमें वो तस्वीरें ही उन बच्चों की हैं जो वहां पे आए और दीवाने हो गए म्यूजियम जी के। तो जी मैं उनकी वो दीवानगी और उनके मन का उनके चेहरे पे चमक और जिस तरह से वो बच्चे और अध्यापक उनके बड़े जो जो वो उसकी उसको बयान करना मुश्किल है, दिखाने से ही पता लगता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग इट। सो म्यूजियम का जो मजा है वो म्यूजियम में ही आता है, बट जी कुछ तस्वीरों के माध्यम से मैं वो दिखाने की कोशिश करूंगा जब हम प्रेजेंटेशन खोलेंगे। अभी हमारी थोड़ी सी शायद 2-4 मिनट और बातचीत चलेगी, उसके बाद प्रेजेंटेशन पे जाएंगे ना। जी बिल्कुल। तो सर जब तक आप अपनी प्रेजेंटेशन खोलते हैं तब तक थोड़ा मैं इंटरेक्ट कर लेता हूँ, आप अपनी प्रेजेंटेशन की ओर चल सकते हैं। मैं थोड़ा सा और कंटेक्स्ट जो हमारे सुनने वाले हैं, लाइव सुन रहे हैं या हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ, उनके लिए बना देता हूँ। तब तक अपनी प्रेजेंटेशन आप चला ले, प्लीज शेयर कर ले अपने स्क्रीन पर। को नमस्कार, जी वो भी हमारा विज्ञान का नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, गॉड ब्लेस। वो साइंस सिटी पंजाब का, ये जो पुष्पा गुजराल साइंस सिटी है, ये वर्ल्ड क्लास साइंस सिटी है, वर्ल्ड थैंक क्लास। यू सो मच। आपको ये नहीं लगेगा कि आप कहीं हिंदुस्तान में, हमें कुछ ऐसा आदत है अपनी चीजों को कम करके आंकने की। मैं दावे से कहता हूं कि बढ़िया से बढ़िया जो साइंस सिटी होती है दुनिया की वो हमारे यहाँ है। हमारा बिल्डिंग जी हमारी वो वैसी ना हो हाईटेक, पर वहां तो वो आईमैक्स थिएटर भी है, उसके अंदर बैठ के जब आप ऊपर की तरफ देख के पूरा देखते हैं, जो हबल टेलीस्कोप देखते हैं और जो जो वो हर परिवार को वीकेंड पे या मंथ में एक बार वहां हर किसी ना किसी म्यूजियम में या साइंस सिटी में जरूर जाना चाहिए। और मैं अब फिर कहूंगा कि शहरों के ऊपर निर्भर ना करिए, हर गांव में पंचायत के लेवल पे एक नेचुरल हिस्ट्री का छोटा सा म्यूजियम स्कूल में बना दीजिए, फिर वहां से कलेक्शंस आए और साइंस सिटी में आए, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में आए। तो जब तक हम ग्रास रूट पे, विदेश में जो भी साइंस की जो तरक्की हुई है 700-800 साल के साइंस क्लब की उस इंटरेक्शन से हुई है, तो हिंदुस्तान जहाँ है वहां से बहुत ऊंचा जा सकता है अगर हमारा हर गांव में गांव का स्कूल, जो ओपन एयर जो स्कूल्स होते हैं ना, शांति निकेतन टाइप टैगोर साहब वाले, वो होता है गांव में। हमारी चार दीवारी में पढ़ाई पढ़ाई जो होती है वो नकली पढ़ाई होती है, असली पढ़ाई एक साइंस सिटी में, म्यूजियम में और खुली किसी घाटी में या पहाड़ के स्लोप पे या फिर किसी ग्लेशियर पे चलते हुए होती है या लाहौल स्पीति में होती है। तो कुदरत से बड़ी कोई किताब नहीं और कुदरत से बड़ा कोई म्यूजियम नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो हम म्यूजियम बनाते हैं या साइंस सिटी बनाते हैं वो एक सैंपल है कुदरत का, नेचुरल हिस्ट्री का एक सैंपल है। सैंपल कभी भी होल नहीं हो सकता, जी। तो तो वो सैंपल तो सैंपल ही है। बात को यहीं से आगे बढ़ाते हैं और आपने जो कहा मैं बिल्कुल उसे समर्थन करता हूँ। डॉक्टर नीलिमा जैरथ जो कि साइंस सिटी को ना सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं और इनका जो पीछे का अगर मैं किताब भी उठा के देखूं तो इनका अपने आप में पूरी किताब है, जो अपने आप में इनकी जिंदगी पूरी किताब है जो इन्होंने काम किया है। तो बहुत स्वागत है मैम आपका इस बातचीत में भी। थैंक यू सो मच। तो सर आप अपनी प्रेजेंटेशन ऑन कर लीजिए, मैं तब तक साथ में कॉन्टेक्स्ट बना देता हूँ। आज का जो टॉपिक हम लोगों ने चूज किया है म्यूजियम्स के ऊपर, वो खास तौर पे इसलिए चूज किया है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं स्कूलों में पढ़ते हैं, किताबें देखते हैं, किताबों में पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है आम जिंदगी में इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, आम जिंदगी में आप इसको कैसे देखते हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हो, चाहे इवोल्यूशन पढ़ रहे हो, चाहे हमारी टेल क्यों नहीं है पढ़ रहे हो, या हमारे किसी के 6 उंगलियां क्यों होती हैं वो पढ़ रहे हो, या हमारे जो शरीर किस तरह से बन के आज पहुंचा उसको पढ़ रहे हो, तो उनके बहुत सारे प्रश्न होते हैं। वो जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर सीधा सीधा किताबें नहीं दे पाती हैं कई बार, और उनको प्रैक्टिकली देखने की जरूरत पड़ती है कि हम कैसे आए, और उसको दिखाने का एक बहुत बढ़िया जरिया म्यूजियम्स होते हैं। तो आइए, हमारे सामने प्रेजेंटेशन अब ओपन हो चुकी है, हम उस प्रेजेंटेशन की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि म्यूजियम्स क्या होते हैं और किस तरह से वो म्यूजियम्स हमारी एजुकेशन सिस्टम में जेल करने चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ बच्चों को विजिट करना चाहिए, किस तरह से विजिट करना चाहिए, किस तरह से टीचर्स को गाइड करना चाहिए,
और फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हम आज के लेक्चर के अंत में डिस्कस करेंगे कि जो घर हमारे हैं उन घरों में से किस प्रकार का वेस्ट निकलता है जो म्यूजियम वर्दी होता है, लेकिन वो इग्नोरेंस की वजह से कहीं ना कहीं रद्दी में चला जाता है। मैं विटनेस रहा हूँ ऐसे बहुत सारे मसलों का, ऐसे बहुत सारे मामलों का, जहाँ जो म्यूजियम में रखी जानी चाहिए थी चीज वहां जाके अरबों की करोड़ों की अमूल्य बन जाती, वो सिर्फ कुछ चंद सिक्कों के बदले में रद्दी वाले को दे दी गई। मैं वो सब चीजें डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे, और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वेस्ट को जब टच करेगा तो हम स्वच्छता सारथी मिशन की भी बात करेंगे, तो लेकिन वो अंत में। अब सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि म्यूजियम्स क्या होते हैं, और हमारे बहुत ही लर्न्ड स्पीकर जो हैं प्रोफेसर अरुंधि बालू वाले जी, उनका जीवन गुजरा है इस चीज में, और मैं उनको इन्वाइट करता हूँ कि सर हमारी जो प्रेजेंटेशन आपकी है वो हम सबको दिख रही है, आप काइंडली यहाँ से शुरू करें आगे। मैं कोई बहुत लर्नेड आदमी नहीं हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ ये मेरी इसमें कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, ये दुनिया भर के विद्वानों का ज्ञान है जो कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा सा अपने अंदर समा लिया है। तो मैं जो बोल रहा हूँ ये बातचीत मेरे जिनके मैंने अभी नाम लिए थे, पांडे साहब, बी एस तिवारी साहब, एसपी जैन साहब, अशोक सानी साहब, हमारे मेरे पीएचडी गाइड जिनके अंदर मैंने शुरू में रिसर्च करी थी, प्रोफेसर अशोक पटवर्धन, बाद में मैंने चेंज हुए जब मैं जियोलॉजिकल सर्वे में था, प्रोफेसर ओएन भार्गव साहब। तो ये जो मैं कह रहा हूँ इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट सब सबका उनका है, और मेरे ढेर सारे विद्यार्थी जो खाली अब यूनिवर्सिटी में नहीं है, मेरे विद्यार्थी अक्रॉस द कंट्री और कई सारी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जिनसे मैं इंटरेक्ट किया हूँ ड्यूरिंग दीज पॉपुलर लेक्चर्स अराउंड 25 साल के करीब। इनफैक्ट जब मैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी लगा था हैदराबाद में, तो थोड़ी सी तेलुगु सीख ली थी मैंने प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में जब मैं था, तो वहाँ पे मैं कुछ अंग्रेजी, कुछ तेलुगु में, कुछ हिंदी में मिलजुल के उनको वहाँ की ही चट्टाने जो थी, जो वहाँ का जो एक्साइटमेंट था कुदरत का, मैं उन लोगों को वहाँ पे ही बताता था। ये मेरी एक आदत बन गई थी, एंड इसके लिए मैं कहूँगा मैं आज की ये अपनी टॉक जो है, ये मेरी बिटिया भी एक टीचर है बॉस्टन में, और बाई चांस ये मैं अपने नए लैपटॉप को जो बोला अभी लाई थी पिछले महीने वहाँ से, उससे कर रहा हूँ, तो मेरा स्पीकर भी थोड़ा बेटर है और कैमरा भी बेटर है। पहले हमेशा मुझे ये शिकायत रहती थी अरुण की कि आपकी आवाज़ ही नहीं आती, तो आज आवाज़ सही से आ रही है, और थैंक्स टू माय डॉटर जो ग्रो हमारी ओर से भी की धन्यवाद सर। शी ग्रू एज अ स्टूडेंट विजिटिंग माय म्यूजियम ऑफ, इनफैक्ट मैं उसको अपना म्यूजियम कहता रहा हूँ, और कई बार लोग भी बाहर से आते तो वो पूछ लेते कि आलू वालिया का एक म्यूजियम है यहाँ पे, और कई बार मैंने सुना उनको ये पूछते हुए मुझे बड़ी हंसी आती कि वो इस म्यूजियम को जो अमर सानी साहब ने, एहसानुल्लाह खान साहब ने बनाया था उसको मेरा म्यूजियम कह रहे हैं। तो किसी ने कह भी दिया कि क्या आलू वालिया इसको अपना म्यूजियम पब्लिसाइज करता, मैं कहा नहीं नहीं मैं नहीं करता हूँ, पर एक्चुअली सच्चाई ये है कि ये हमारे सानी एम आर सानी साहब ने जो बनाया था, और वो हमारे पिता तुल्य थे, गुरु थे, गुरुओं के गुरु थे, तो इसको जिसको हिंदी में बोलते हैं ना पिताजी का सब वो समझिए एक धरोहर विरासत। तो मेरी बिटिया भी जब छोटी सी थी तो उसको भी ये सेक्रेड हार्ट में पढ़ती थी, और ये इस म्यूजियम में आने का उसकी एक आदत थी जब कैंपस में नहीं थी तब की। तो शी ग्रू शी डिड जिसे जिसे उसने साइकोलॉजी की थी, एमए साइकोलॉजी की थी, एंड वहाँ वेन स्टेट से उसने मास्टर ऑफ आर्ट्स तो टीचिंग, बट उसके जो बच्चे हैं अभी 15 साल के हो जाएंगे अगले महीने, वो उनको उनकी कुछ तस्वीरें आएंगी इसके अंदर। ये शायद एक तस्वीर में वो अभी भी दिख नहीं, अभी नहीं दिख रहा है, पर ये जो छोटे से बच्चे इसमें ढेर सारे दिख रहे हैं, ये जो ये हमारा वो म्यूजियम है जिसको जो हमारा वहाँ ग्रंथ है। तो ये एक एग्जाम्पल, इनफैक्ट पहली स्लाइड मैंने बहुत जोड़ जुगाड़ से बनाई थी, अर्थ डे पे बनाई थी, तो ये एक मैं एक सैम्पल देने की कोशिश की है
माउंट एवरेस्ट भी दिखाई और कार्मल कॉन्वेंट का हमारा इंटरेक्शन भी दिखाया, और वो पोल्यूशन का धरती अपने हमारी बॉडी पे इफेक्ट भी दिखाया, और वो कुंजम पास की कैम्प्रियन रॉक्स और ग्लेशियर्स भी दिखाए, हमारा म्यूजियम भी, और वो दस सेक्टर का ये म्यूजियम जो हमारे अशोक साहनी साहब ने ये डायनो गैलरी बनाई। तो ये एक सैम्पल बनाया था, और बीच वाला जो है ये अरुण बांसल जी ने बना के अर्थ डे पर मुझे दिया था। तो ये मैं हमेशा हमेशा शेयर कर लेता हूँ सभी से, क्योंकि मैं मेरी सबसे बड़ी इच्छा ये है कि ये बढ़ जाए और हर कोई इसको अपना समझ ले और इस्तेमाल कर ले, क्योंकि हम लोगों की उम्र हो गई है, किसी भी दिन से भगवान का बुलावा आ सकता है। उससे पहले पूरे समाज में और नीलिमा जी से भी कहूँगा कि साइंस सिटी में और मौका कभी भी हो, या नहीं तो वेबिनार के माध्यम से हम कोई बातचीत करें, और इसको भी इस आज की टॉप को अगर ये साइंस सिटी की वेबसाइट पे लग जाए तो एक शेयरिंग हो जाएगी, बिकॉज श्योर सर, डेफिनेटली। अदरवाइज बहुत लोग हैं जिनके लेक्चर्स आज की तारीख में तो डिजिटाइज जो भी हो जाए वो ही लास्टिंग होता है। तो इसमें मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ, एक बहुत ही महान भूवैज्ञानिक जो अभी कुछ महीने पहले प्रोफेसर इंद्रबीर सिंह, ये एक एग्जाम्पल है। ये लखनऊ के वैसे भी शहर है, लखनऊ की तो बात ही और है, तो लखनऊ के अपने सानी साहब भी, सभी लोग सारे सानी, बट फॉर रुचिराम सानी जो लाहौर में थे, बीरबल सानी, एम आर सानी, अशोक सानी, ये सभी लखनऊ से ही हैं। तो लखनऊ हमारा मक्का मदीना रहा है भूविज्ञान का। इनफैक्ट हमारे भी ढेर सारे अध्यापक जो आए वो सब लखनऊ से ही आए, और पर चंडीगढ़ ऐसी जगह है जहाँ पे चंडीगढ़ के हो जाते हैं सभी। तो ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने, ये जो हमारे प्रोफेसर इंद्रबीर सिंह यहाँ आए थे तो बच्चों को ले गए थे फील्ड में, ये धर्मपुर के साथ में कहीं पे कोई जगह है जिसमें फील्ड में वो बातचीत कर रहे हैं, बच्चों को कुछ फील्ड डायरी में समझा रहे हैं। ये हमारे आज के मशहूर डायनासोर वर्कर जो हमारे अशोक साहनी साहब के स्टूडेंट हैं, भविष्य के अशोक साहनी कहूँगा मैं इनको, तो आशु खोसला। तो ये एक उदाहरण देखिए आप, जो मैंने कहा म्यूजियम तो एक वो जिसको बोलते हैं सैंपल होता है कुदरत का, असली म्यूजियम तो भगवान का हिमालय है, चाहे दक्षिण का पठार है, चाहे वो डेकन वॉल्केनिक प्रोविंस है, ये असली म्यूजियम तो वो। पर जब इसकी गंगा पे भी इन्होंने काम किया था, इन्होंने हिमालय का, इतना ओरिजिनल सोच थी इंद्रबीर सिंह की कि हिमालय का जो 100 साल का इन्फर्ड इतिहास था पुराना भूविज्ञानिक करोड़ों साल का, वो इनकी सोच से उसकी इंटरप्रिटेशन बदल गई। और शुरू शुरू में जब होता है कोई नई बात बोलता है तो उसको लोग कहते हैं अरे ये ऐसे ही अटपटी बात बोल रहे हैं, अभी अभी नौजवान है ना, 14 साल जर्मनी में काट के आए हैं ना। तो इंद्रबीर टिपिकल लखनऊ स्टाइल में बोल देते थे साफ साफ कि आपको भी धीरे धीरे समझ आ जाएगी, और वो सही निकला। तो ये एक उदाहरण आपके सामने में, ये एक्चुअली मेरी सारी एक्टिविटी 2006 में यूएनओ के एक प्रोग्राम में सिमट गई, और साइंस फॉर सोसाइटी के, और क्योंकि मैं पुराना जिसको बोलते हैं बहुत बड़बोला भूवैज्ञानिक था जो बहुत जाना जाता था एक्साइटमेंट के लिए, तो टू माय बिग सरप्राइज सम ग्लोबल लीडर्स फ्रॉम नॉर्वे रोड टू सम ग्लोबल लीडर्स इन नॉर्थ अमेरिका, जब मैं सेबेटिकल पे था, कि एक दीवाना भूवैज्ञानिक आपके आया हुआ है, यही था, यही थे वर्ड अंग्रेजी में, वन हाईली एक्साइटिंग एंड एक्साइटेड क्रेजी जियोलॉजिस्ट इज इन सिंसिनेटी, सो हैव हिम ऑन दी यूएन यूएस प्रोग्राम ऑफ दिस यूएन प्रोजेक्ट। तो उस तरह से मैं धीरे धीरे करके एक आउटरीच का वो हो गया वॉलंटियर, और कई बार होता है कि क्योंकि आप भूविज्ञान की बात कर रहे हो, पर्यावरण की बात कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग आपके साथ मिल जाते हैं, और
घर में उसका कभी कभी मजाक भी होता है कि आजकल लगता है रिसर्च छोड़ दी और प्रचारक बन गया। मैंने हर रिसर्चर को टैक्स पेयर का कुछ कर्ज उठाना देना होता है, क्योंकि जो रिसर्च करी, जो नौकरी करी, जो चार पैसे कमाए, वो टैक्स पेयर, जो जनसाधारण है, उसी उसी के नौकर हो आप, किसी सरकार के नौकर नहीं हो। तो आज अगर हम हर ग्रामीण बच्चे को, हर ग्रामीण पंच को, सरपंच को, हर ग्रामीण पंचायत को अगर हम ये एक्साइटमेंट बांट दें तो कर बधाई हो गई, नहीं तो कर्जा चढ़ा रहेगा। तो हम जो भी आउटरीच कर रहे हैं, ये हम एक रस्म अदायगी नहीं कर रहे हैं, हम कर्ज वापस कर रहे हैं। धरती माँ का कर्ज भी है हमारे ऊपर। हम लोग ये ना समझें कि हम ही हैं धरती पे और धरती हमारी है। धरती हमारी माँ है, माँ होती है, पर माँ के आप होते हैं, माँ आपकी भी होती है, पर आप माँ के मालिक नहीं। तो धरती है असली मालिक। ये आपके सामने है हमारा हिमालय। अब मैंने कहा था कि हिमालय जो है ये मोस्ट डायनेमिक, मोस्ट रीसेंट एंड मोस्ट एक्टिव एंड द हाईएस्ट माउंटेन चेन, ये है असली म्यूजियम। जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम स्पीति घाटी का, इसको मैं म्यूजियम बोलता हूँ, सच्ची बात मानिए, इससे बढ़िया घाटियां दुनिया में नहीं है। स्विट्जरलैंड बहुत मशहूर है, पर वो हाइट और वो एक्साइटमेंट जो हिमालय में है, जो लोग बाहर से आके यहाँ ढूंढते हैं और मजा करते हैं, हमने इसका फायदा नहीं उठाया। जो दुनिया ने ग्रैंड कैनियन का उठाया, नायग्रा गॉर्ज का उठाया, नायग्रा फॉल्स का उठाया, एल्पाइन माउंटेन्स का उठाया, और वो हमने नहीं उठाया। वक्त आ गया है। इनफैक्ट मैंने आप इधर 2006 आइए, में इधर आओ, एक टॉक दी थी आके सिंसिनेटी में इंडियन क्राउड को, सुनो क्या और कह वो रहे मैंने बाद में लिखा था करंट साइंस में। हैं। बड़ा 25 बढ़िया, आप नवंबर सुनना चाहिए, मेरे लिए आपको बहुत बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मेरा एक लेक्चर सुनना का बहुत एक अच्छा लगा आर्टिकल उस करंट साइंस रिसर्च के में बारे में ऐसे ही कैजुअली भेजा हुआ, ध्यान से सुनना। छप गया था। और वो मुझे, मैंने डॉक्टर कलाम साहब तब राष्ट्रपति थे, उनके साथ शेयर किया। मुझे एक आदत कोई है, बात नहीं, बुरी कैसे है या करना अच्छी है मुझे पता है। नहीं, बट मैं बड़े से बड़े आदमी के साथ अपनी करस्पॉन्डेंस हाँ खुल के करना कर चाहिए, लेता हूँ, और बच्चों से भी कहूँगा, आपसे बड़ा कोई नहीं, आपसे बड़ा विद्वान कोई नहीं, और आप ही हो भविष्य देश के। तो कोई भी बड़े से बड़ा आदमी मिले, उसके साथ नमस्कार करके बातचीत करिए विज्ञान की, और कब आप भी उससे भी बड़े बन जाएं वो पता नहीं होता है। तो अपने आप को कम से ना आंकिएगा, सिर्फ म्यूजियम में आते जाते रहिएगा। ना आ सके तो अपने मोबाइल फोन से या लैपटॉप से आप उसको जरा देखिए, क्योंकि हर म्यूजियम में आप जा नहीं सकते। कोरोना काल ने एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप म्यूजियम में नहीं जा पा रहे हैं, पर आप यूट्यूब पे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन का देख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये खाली कहने की बात नहीं है। हमारे घर में भी एक छोटा सा बच्चा है जो 5.5 साल के लगभग का है, नाम है कबीर उसका, हमारा पोता है। उसको हमने, वो इतने ज्यादा क्रेजी हो गया है डायनासोर्स के लिए कि उसको डायनासोर्स के सारों के इतने सारे नाम पता है कि जो शायद आशु खोसला और अशोक सहनी साहब को पता, मेरे को तो नहीं पता। सी दैट्स हाउ नॉलेज ग्रोज। एंड थोड़ा थोड़ा करके हमने यूट्यूब पे उसको जापान का म्यूजियम, न्यूयॉर्क का म्यूजियम, स्मिथसोनियन म्यूजियम, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन, और जर्मनी वाले, स्विट्जरलैंड वाले, स्विट्जरलैंड में एक बच्चों का ही डायनासोर का म्यूजियम है, आथाल म्यूजियम। मैं स्विट्जरलैंड में रहा हूँ 2 साल, तो ज्यूरिख से कोई 1.5 घंटा दूरी पे। तो वैसे म्यूजियम जो खाली बच्चों को केटर करें, कई बार हो जाता है बच्चे आते हैं तो थक जाते हैं, और वो जो बहुत हाईटेक हो जाता है वहां पे बोर हो जाते हैं। तो साइंस सिटी एक रिलीफ है, वो एक म्यूजियम से हटके है, इंटरैक्टिव है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर सिटी में साइंस सिटी होनी चाहिए, और हो सके तो सरकारों को ये समझना चाहिए कि साइंस सिटी से बड़ी कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती। यूनिवर्सिटीज को तो ग्रांट देते हो, हाँ आप साइंस सिटी को कहते हो अपना रेवेन्यू जनरेट करो, ना करिए वो। अब बसें चलाइए मुफ्त की साइंस सिटी में जाने के लिए।
साइंस सिटी में कोई टिकट ना रखिए, छोटे बच्चे जो स्कूल के आए उनको खिलाइए पिलाइए भी अपने खर्चे पे। तो मैं इनफैक्ट खानपुर साहब को भी आज नमस्कार बोलता हूँ, क्योंकि वो ही वो एक मेरे बहुत बड़े गुरु थे, मित्र थे, जिन्होंने मुझे पहली बार साइंस सिटी में बुलाया था और अपने साथ लेके गए थे। वो था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, आई थिंक 2008 का था, यस 2008 का था, और आने जाने में 7-8 घंटे हमारी बहुत बातचीत हुई। और उसके बाद में उन्होंने मुझे फिर दोबारा ओजोन डे पे बुलाया, फिर तीसरी बार उन्होंने मुझे उस पे वर्ल्ड वेटलैंड डे पे लेक्चर के लिए बुलाया, और चौथी बार नीलमा जी तब एक्टिंग डीजी थी, इन्होंने अर्थ डे पे बुलाया था। तो मुझे तब भी कानपुर साहब ने बोला था कि हम साइंस सिटी में कभी किसी स्पीकर को रिपीट नहीं करते हैं। तो मैंने कहा मेरा सौभाग्य है, इसे नहीं तुम तो बातचीत को थोड़ा रोमांचक बनाते हो और खाली अंग्रेजी में नहीं बोलते हो, हिंदी पंजाबी में भी बोलते हो, वो मुझे एक बहुत प्रैक्टिकल लगा। तो इसलिए मैंने अपने दिल से पूछा कि भैया किसको बुलाओ जो थोड़ा सा मजा करवा दे बच्चों को। तो विज्ञान, अगेन मैं अशोक सानी साहब का ही फिक्र बोल रहा हूँ, वी इंडियंस टेक साइंस टू सीरियसली, साइंस इज नॉट टू बी टेकन सीरियसली बट साइंस इज टू बी एंजॉयड, मजा करने की चीज है विज्ञान, तो मजा करिए और इस मजे को बांटिए आप जन साधारण से, किसी की जो मर्जी उम्र हो, मजा तो हर किसी को चाहिए, तो उस उम्र का भूल जाइए, कितना पढ़ा लिखा है तो उसको भूल जाइए, पर उसके लिए ये तस्वीरें जो जो एक आपके सामने हैं ये ही बहुत होती हैं, बहुत कुछ कह जाने को। तस्वीर के जरिए ज्ञान विज्ञान आपके दिल दिमाग में उतर जाता है और वो जिंदगी भर के लिए जिंदा रहता है वो ज्ञान। तो ये है मेरा मैसेज आज के टीचर्स डे पे कि ज्ञान विज्ञान को सरल बना दीजिए, इतना ये म्यूजियम और साइंस सिटी एक कैप्सूल होता है ज्ञान विज्ञान का, ऐसा जो डाइजेस्टिबल है, जो हर किसी को समझ लगता है, इसमें जिसको जितना हजम होगा वो उतना ग्रहण कर लेगा। आप उसको एक अपॉर्चुनिटी दीजिए कि देखिए और जो आपको अच्छा लगे ले जाइए। तो वहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा कर लें जो अभी हमने डिसाइड किया, नीलिमा जी गॉड ब्लेस हर, शी वाज सो काइंड कि हम उसको बांटने का इंतजाम कर लेंगे वेबसाइट पे डाल के। तो वो एक तरीका है जो हम लोगों को अक्रॉस द कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, जो नेचुरल हिस्ट्री होती है इसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं होती, नेचुरल हिस्ट्री जो होती है पूरी नेचर की होती है। तो जब इनफैक्ट एक उदाहरण आपके सामने है, हमने कभी भी हिंदुस्तान की जियोलॉजी अलग से नहीं की, हमने हमेशा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जियोलॉजी पढ़ाई है। एक मशहूर किताब है एम एस कृष्ण साहब की, जियोलॉजी ऑफ इंडिया एंड बर्मा, वो उन्होंने तब लिखी थी जब हिंदुस्तान बटा नहीं था, पर उसके साथ में बर्मा की जियोलॉजी भी साथ में करते हैं हम, पाकिस्तान की और बांग्लादेश की, भूटान की, नेपाल की, सबकी जियोलॉजी, तिब्बत वाली सारी इकट्ठी करते हैं। और एक संदेश और है इसमें जो अभी बोल दूं, कहीं ऐसा ना हो बाद में भूल जाऊं बोलना, अगर हम मिलजुल के इस भूविज्ञान का मजा लेने लग गए, इको टूरिज्म और जियो टूरिज्म हमने शेयर्ड तरीके से, जियो पार्क्स के तरीके से, और इस ये जो अर्थ साइंस फॉर सोसाइटी के बैनर तले इसको ठीक से कर लिया, तो हमारे सब कॉन्टिनेंट की जो युवा पीढ़ी है वो जब मिलजुल के हमारी ब्यूटी का मजा लेने लगेगी, इस भूवैज्ञानिक ब्यूटी का, पर्यावरण की ब्यूटी का, उस दिन कोई तालिबान नहीं होगा, कोई उग्रवादी नहीं होगा, हर कोई कहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट शेयर्ड अक्रॉस द बॉर्डर्स, एक्सप्लोरेशन शेयर्ड अक्रॉस द बॉर्डर्स, रिसर्च इज शेयर्ड अक्रॉस द बॉर्डर्स लाइक इट्स डन इन यूरोप। क्या हमने ठेका लिया है कि हम खाली युद्ध करेंगे और हम रिसर्च इकट्ठे नहीं करेंगे, एक दूसरे से सीख के मिनरल एक्सप्लोरेशन नहीं करेंगे इकट्ठे, डिजास्टर मैनेजमेंट इकट्ठे नहीं करेंगे? भूचाल जब नेपाल में आता है तो हमारे बनारस में भी लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं, भूचाल जब अफगानिस्तान में आता है तो पाकिस्तान, कश्मीर,
हमारा पूरा इलाका हिल जाता है। भूचाल जब सुमात्रा में आता है तो पूरे के पूरे बांग्लादेश में ही नहीं, 52 देशों के दुनिया भर के लोग उसमें मरने वाले थे, वो 3 लाख के करीब। पर ज्ञान विज्ञान जो है जान बचाता है, ज्ञान विज्ञान हमें डिजास्टर मैनेजमेंट सिखाता है। तो ये एक उदाहरण आपके सामने दे रहा हूँ। ये बच्चा जो थैला लिए खड़ा है, ये ताइवान में प्राइस पाया था, पंचकूले का बच्चा है, 3 साल की उम्र से ये धरती के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, चंद्रमा के बारे में क्यूरियोसिटी रखता था, और ये ग्लोबल ओलंपियाड में नंबर 2 पाया था इसने वहां से। ये हमारे डिपार्टमेंट का एक आउटरीच वो था, एम्बेसडर, मैंगलोर यूनिवर्सिटी से आया हमारे पास, मैं तब हेड था, कि मेरी तैयारी करवा दो, मैंने ग्लोबल उसमें जाना है। हम बड़े हैरान हुए कि बच्चा स्कूल से आ रहा, 9th क्लास में पढ़ रहा, और वो हमसे कह रहा है कि जियोलॉजी की, और यहाँ पे हम लोग जो पंजाब यूनिवर्सिटी में, क्या हर यूनिवर्सिटी में हमारे देश में लोग जुअलॉजी और जियोलॉजी में फ़र्क नहीं जानते। इवन जो अपने अरुण बंसल जी हैं, आज तो इन्होंने वो बोला नहीं, ये भी कई बार जियोलॉजी मुझे जुअलॉजिस्ट बोल देते हैं, तो आज तो ये डरे हुए हैं। पिछली बार मैंने इनको काफ़ी वो लगाया था, काफ़ी टांग खींची थी इनकी। तो ये लड़का आज की तारीख में, he went to IIT खड़गपुर and he is now he did economics MA and he is with the Reserve Bank of India. He is an officer of Reserve Bank of India. ये आप देखिए, कोई सी एक्साइटमेंट आपको हर चीज जो आप करते हो वो बढ़िया तरीके से करने के लिए प्रेरित करती है। सो आप मैं आ जाऊं उस छोटी स्लाइड पे जो हमारे म्यूजियम की, ये वर्ल्ड क्लास म्यूजियम है, 10 सेक्टर का जो म्यूजियम है ये, इसको कोई ये ना कह ले कि साहब चंडीगढ़ में है तो इसलिए अच्छा होगा। हमारे देश में मैंने हैदराबाद में भी म्यूजियम देखा है, बिरला साइंस सिटी का, लखनऊ में भी देखा है। तो विज्ञान किसी देश की नहीं होती, विज्ञान पूरे ब्रह्मांड की होती है, और भूविज्ञान भी किसी देश की नहीं होती। तो ये छोटी बच्ची जो है, आप अभी 15 साल की होने वाली है आरुषि, ये मेरी बिटिया की बिटिया है। और ये देखिए 10 सेक्टर के म्यूजियम में, ये इसका इधर में जो छुटका खड़ा है, ये इसका ट्विन ब्रदर है अरमान। आप देखिए उसके बॉडी लैंग्वेज आपको बता रही है क्या एक्साइटमेंट है। ये एक्साइटमेंट पुष्पा बिराल साइंस सिटी में भी मिलती है, ये हमारे म्यूजियम में भी मिलती है, और सबसे बड़ी एक्साइटमेंट तब मिलती है जब आप जबलपुर में जाइए और वहाँ पे डायनासोरियन रिमेंस को खुद से जाके देखिए। थोड़ी सी स्लाइड्स अब म्यूजियम की ही दिखा दूँ आपको। वो जो मैंने बोला था कि हाथ कंगन को आरसी क्या, और ये देखिए डायनासोर के आप पूरे पेट में घुसे हैं, उसकी हड्डियां भी देख रहे हैं। ये सैंपल है, ऑब्वियसली रिसर्च के बूते पे ये डिस्कवर हुआ है। तो और ये छुटका अब तो ऊपर काफी लंबा हो गया है, ही कुड हिमसेल्फ टच इट, बट देन ही आस्क्ड माय डॉटर दैट आई वांट टू टच द इंटेस्टाइंस एंड द स्टमक ऑफ द डायनासोर। तो हर साइंस सिटी में, म्यूजियम में छोटे बच्चे को सबसे बड़ी बात यह होती है वो हाथ लगा के देख सकता है कि कैसा है। अभी आगे सैंपल आपको दिखाऊंगा। ये डायनासोर का पांव, डायनासोर का नाखून, ये पूरा इस बच्ची के पांव से बड़ा है नाखून, इस बच्ची से बड़ा है पांव, और डायनासोर का क्या क्या एक्साइटमेंट है। ये म्यूजियम से गुजर जाइए, ज्ञान विज्ञान बाद में आएगा, पर आपके वो जिसको बोलते हैं हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर में तो चला गया ना मामला। ये 10 सेक्टर का म्यूजियम था, ये हमारा अपना, इसको हम अपना बोलते हैं कि हमारा बच्चा।
यहाँ गुजरा, वो भी अब बनारस आदि साहब भी हमारे अपने ही हैं, हम उनके हैं चेले हैं। तो ये हाथी के दांत का फॉसिल है, ये खाने वाले दांत हैं, दिखाने वाले वो पीछे में उसका मॉडल है क्योंकि टूट गया था वो, तो इकट्ठे किया हुआ था। आप देखिए ये एहसास इन बच्चों को, ये 3-1 साल की उम्र, 3.5 साल की उम्र में ये एहसास, ये वाला एहसास हर बच्चे का हक है। ये एहसास, ये एक्साइटमेंट हमारे हर बच्चे की, चाहे वो गांव का हो, चाहे शहर का हो, और किसी भी देश का हो, उसको इसको शेयर करने का हमारा फर्ज है और उनका हक है। और इसी में हमारा एनलाइटन्ड सेल्फ इंटरेस्ट है, हर देश का, पूरी दुनिया की कम्युनिटी का, कि इसको, इस ज्ञान विज्ञान को बांट लीजिए। और इसको बांटने का जरिया अब तो बहुत सारे हो गए हैं, आप यूट्यूब से कर देख लीजिए, म्यूजियम में जाके देख लीजिए, अगर पेंडेमिक चलता रहा तो कोई बात नहीं, आप वर्चुअली देख लीजिए। तो अभी भी देखिए हमारी बातचीत घर में बैठ के, मैंने चवन्नी नहीं खर्ची किसी गाड़ी में कपूरथला जाने के लिए, या यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, या म्यूजियम में जाने के लिए, घर बैठे मैंने जो है ये बातचीत कर ली। ऑफकोर्स अरुण बंसल जो है मेरा गुरु है इस मामले में, इसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है, ये जुगाड़ इसकी बहुत है, मेरी नहीं है, मेरे को आती नहीं है। तो ये आपके सामने है, और शुरू के जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, इनको एडियाकारंस बोलते हैं हम, ये ऐसे लगते हैं चट्टानों में जो होते हैं, ये ऐसे लगते हैं। मैं इसको स्लाइड शो पे डाल देता हूँ ताकि थोड़ा बड़ा दिखे, तो ये आप देखिए, ये म्यूजियम में विजुअली चैलेंज बच्चों को भी इग्नोर नहीं किया गया है, आप ब्रेल में, इनफैक्ट हर म्यूजियम में, हर साइंस सिटी में एक रहती है फैसिलिटी कि आप किसी सैंपल पे खड़े हैं, किसी मॉडल पे खड़े हैं, आप सुनना चाहते हैं किसी एक्सपर्ट की आवाज़ में कि वो क्या दिखा रहा है, तो आप अपने कान को वो लगाइए और सुन लीजिए। यहाँ पे वो नहीं है, पर कम से कम एक विजुअली चैलेंज बच्चा जो था वो भी कुछ सीख पाया। ये बात कहनी हो तो संक्षेप में कहने से मजा आता है, ये धरती का पूरा इतिहास एक पन्ने में मैंने लिखा था। ये जो DST का एक साइंस मैगजीन है, वर्चुअल भी और प्रिंटेड भी, विपनेट न्यूज़, इसमें सभी बच्चे कुछ ना कुछ नेचुरल हिस्ट्री पर लिख सकते हैं। और ये पन्ना मैंने ये 2005 में साइंस डे पे, अर्थ डे पे लिखा था, अप्रैल 2005 में। दैनिक हिंदुस्तान ने इसको हिंदी में लिख के पृथ्वी दिवस पे अपने उस पे डाल लिया था वेबसाइट पे। तो ये सारी कहानी मैं ऑडियंस को 2 मिनट देता हूँ, मुझे थोड़ा एक रिलीफ चाहिए, मुझे पानी लेना है पीने को। तो आप आर्कियन टाइम से ये थोड़ा, ये एज अब बढ़ गई है, ये 4.4500 के लगभग हो गई है मिलेनियर्स की। तो आप देखिए कैसे प्रिमिटिव प्लांट्स आए, फिर फर्स्ट फिश आए, प्लांट्स आए, एम्फीबियंस आए, ये जरा सा मैं आई गिव यू अ मिनट टू लुक थ्रू इट एंड थोड़ा सा अपने जहन में इसको डालिए। मैं अभी एक मिनट, मेरा पानी रखना भूल गया, एडजस्ट कर जी। तो आज के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमें लाइव भी देख रहे हैं, ये आज का हमारा जो प्रोग्राम है, हम लोग म्यूजियम्स के ऊपर बात कर रहे हैं, और जो जियोलॉजिस्ट हमारे सर हैं, बार बार मैं दोबारा दोहराऊंगा बात कि बहुत सारे ऐसे म्यूजियम होते हैं, ये जियोलॉजी का म्यूजियम जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, किस तरह से ये हमारे स्कूल में पढ़ते हुए बच्चों को किताबों से बाहर निकल के एक ज़िंदगी दिखा सकता है। ये फॉसिल्स जो आप सामने देख रहे हैं, या बाकी स्लाइड्स आप जो देख रहे हैं, या जो इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, ये किताबों में भी मिलती है और म्यूजियम्स में भी मिलती है। लेकिन जो किताबों में मिलती है उसको देखकर बच्चा कितना सीख पाता है, इस पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगता रहा है। और उसको जो उसके प्रश्न हम लोग जब स्कूलों में जाते हैं, जब स्कूलों में जाके बच्चों से बातचीत करते हैं, तो उनके बड़े ही मासूम से प्रश्न होते हैं, भाई ये इतने सारे नाम अजीब अजीब से क्यों रख लिए, किसने रख लिए, कैसे रख लिए।
और हमें तो ये बोलना भी नहीं आता है। तो ये सब चीज़ों, ये जो मैप यूनिट्स लिखे हुए हैं इसके बारे में प्रश्न आ गया उनका। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब किताबों से नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो उसको जीते नहीं हैं, वो उसको थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। अगर वो म्यूज़ियम में जाते हैं तो म्यूज़ियम में जाके वो वहाँ उस चीज़ के लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, फॉसिल्स देख सकते हैं, जिस तरह के जो पुराने खुदाई से और बर्तन मिले हैं वो देख सकते हैं, जियोग्राफिकल जो वहाँ मॉडल्स इंस्टॉल किए गए हैं वो देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो म्यूज़ियम्स उन्हें सिखाते हैं। मुझे याद आता है कि मैं एक बार एक क्लास को पढ़ा रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई हम लोगों की टेल क्यों नहीं होती है, तो या किसी ने मुझसे पूछा जो सांप होता है उसके पैर क्यों नहीं होते हैं। तो बड़ा मुश्किल है ये समझाना कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। अगर किसी ने कहा जी मैंने तो वो बहुत दिनों से अपना हाथ यूज़ नहीं किया, तो क्या मेरा हाथ झड़ जाएगा? तो ये कैसे होता है कि हमारा शरीर भी इवॉल्व करता रहता है? तो ये सब चीज़ों को समझने के लिए म्यूज़ियम वाकई में जाना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे म्यूज़ियम्स हैं जिसमें विजिट करने के साथ हमें पता लगता है कि बच्चों को किस तरह से कन्वे करना चाहिए। बच्चे सामने देखते हैं तो उनको ज़्यादा समझ आती है बात। तो सर वापस और आ गए हैं, तो मैं वापस सर को अब माइक दे रहा हूँ। एक बात और कहना चाहूंगा कि एक विजिट अक्सर परिवार से किसी से पूछिए, आपने बच्चों को म्यूजियम कोई दिखाया था, साथ गए थे आप? तो बोले थक गए। म्यूजियम जब भी जाइए, आप पूरे दिन का प्रोग्राम बना के जाइए और घर से खाना वाना अपने साथ लेके जाइए। और ये कहना कि हाँ हमने दिखाया था, 5-6 साल पहले दिखाया था, हर उम्र में बच्चे को म्यूजियम हर साल बाद दिखाइए। और साइंस सिटी में विजिट बार बार, एक किताब एक बार पढ़ने से आपके पूरे, क्या आप बार बार पढ़ते हो ना, रिविजन रिविजन रिविजन, विजिट रिविजिट रिविजिट, दैट्स द की टू टेक फुलेस्ट एडवांटेज ऑफ साइंस सिटी म्यूजियम एंड द ओपन एयर म्यूजियम। अगर आपने शिमला जाना है और लाहौल स्पीति जाना है, बार बार जाइए, बार बार जाइए, उसी से टू बी वेरी ऑनेस्ट ढेर सारी बीमारियां भी छट जाएंगी, स्ट्रेस भी चला जाएगा और आप थोड़े मॉडर्नाइज हो जाएंगे, आप थोड़े फ्रेश हो जाएंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। सो ज्ञान विज्ञान से बड़ा टॉनिक कोई नहीं होता। और जैसे बोलते ना कि पानी से बड़ी कोई दवाई नहीं होती, और हर दवाई पानी के साथ ही लिया जाता है। जी सर, तो मैं कुछ पूछ सकता हूँ बीच में आपके कुछ इंटरेक्टिव हाँ बनाने के लिए? तो सर अभी आप जो म्यूज़ियम हमें दिखा रहे हैं तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि म्यूज़ियम, अगर मैं स्कूलों में जाता हूँ तो बहुत सारे टीचर्स और हमें प्रिंसिपल्स पूछते हैं कि हम अपने यहाँ पर म्यूज़ियम सेटअप करना चाहते हैं, तो किस तरह का म्यूज़ियम सेटअप करें, कैसे करें? जैसे आपने भी कहा छोटे लेवल पर म्यूज़ियम सेटअप किया जाना चाहिए, तो क्या किस तरीके से हम ये छोटे छोटे म्यूज़ियम सेटअप कर सकते हैं? म्यूजियम में क्या रखा जाता है, किस जगह को म्यूजियम बोला जाता है? क्या सिर्फ पुरानी चीज़ें रख लेने से म्यूजियम बन जाता है? तो थोड़ा सा इस आस्पेक्ट के ऊपर मुझे बताइए कि अगर स्कूलों में स्कूल के लेवल पे म्यूजियम खोलना है, या सोसाइटी के लेवल पे म्यूजियम खोलना है, जैसे RWAs हैं, बहुत सारे सोसाइटीज़ बनी हुई हमारी विद इन सोसाइटी, तो उनके लेवल पे अगर हमें म्यूजियम खोलना है तो उसको कैसे खोला जाए? जैसे एक लाइब्रेरी है, मैं एक पूरा करने के लिए बात करता हूँ, जैसे कि लाइब्रेरी है वो भी तो किताबों का एक म्यूजियम है, क्या उसको म्यूजियम का शेप दिया जाए? क्या कंपोनेंट है जो एक संग्रह को म्यूजियम बनाता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें दीजिए। अरुण, यू वेरी राइटली सेड, लाइब्रेरी किताबों का म्यूजियम है और कुदरत भी एक बहुत बड़ी किताब है। और जो तहदार चट्टाने स्पीति में कि मैंने अभी आपको दिखाई, वो हर चट्टान जो है धरती के इतिहास का पन्ना है। और भूवैज्ञानिक क्या करता है, हम लोग उसको थोड़ा सा तोड़ के, थोड़ा लेंस के तले देख के, थोड़ा उसका सिंसेक्शन बना के माइक्रोस्कोप में देख के उस पर रिसर्च करते हैं और कुछ कंक्लूड करते हैं, फिर दोबारा देखते हैं, फिर चर्चा करते हैं, फिर कुछ चेंज होता है जो सोचते हैं। तो अक्सर हम मैं पूछता है भी आप लोग क्या करते हो, मैं तो देखो अगर हिंदी में सरल भाषा में बोले तो हम धरती के इतिहास के जासूस हैं, हम फिंगरप्रिंट देखते हैं और हम वर्चुअली डीएनए देख लेते हैं। तो जो ये फॉसिल जो है, ये वाले, ये एक बड़ा टर्टल जोड़ा गया है फॉसिल,
उसका नाम मेरे को मैं अभी याद नहीं आ रहा, बट आई एम श्योर राजीव पटनायक या सानी साहब बता देंगे। पर दुनिया में इतने बड़े टर्टल के फॉसिल सिर्फ चार हैं, ये वाला कलकत्ता का है और एक चंडीगढ़ में है। बताइए जो इतने साइज के चार हों तो कितना रेयर है। ये इधर ही से तो आया है अपने शिवालिक की पहाड़ियों से, और ये वाले फॉसिल जो है ये हाथी के, ये भी तो अपने शिवालिक से आए हैं। तो अगर उस गांव में और होंगे, ऑब्वियसली ये तो उस जमाने का हाथी दांत है वो दिखाने वाला, ये जो है नीचे पड़ा हुआ, तो क्यों नहीं जो बचे हुए वो हैं, बजाय इसके कि वो पहाड़ों में पड़े हुए सड़े, क्यों नहीं वहाँ का गांव कोई भी रामगढ़ में, जैसे वहाँ फोर्ट है उसमें कोई क्यों ना म्यूजियम, राधर वहाँ पे तो एक बड़ा भारी एक होटल भी खुला हुआ है। देश विदेश में हर जगह पे अगर होटल है तो उसने साथ ही में अपने वहां पे एक म्यूजियम बना लिया, लाइब्रेरी बना ली जी। तो हर किसी को अपने तरीके से जो भी कुछ वो कर सके उसे कर लेना चाहिए। एक मिनट मेरी ये इसकी जी जी आप बैटरी का इंतजाम कर ले सर, क्योंकि बैटरी अगर बैटरी लगा लूं। जी 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 तो आपकी बात से पहले मैं ये समझाऊं कि जो भी चीज रेयर होती है, अगर हम रेयर वाली चीज की बात करें तो जो चीज रेयर है वो हम म्यूजियम में रख सकते हैं। तो म्यूजियम का एक कंपोनेंट तो वो हो गया कि म्यूजियम में उस संग्रह को कह सकते हैं जो रेयर है, आम नहीं मिलता, जिसको लोग आम जिंदगी में नहीं देख सकते, तो वो चीज म्यूजियम में जाके देखी जा सकती है। मैं जब तक सर बैटरी का इंतजाम कर रहे हैं, मैं एक चीज यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कि मैंने जब लोगों को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, लोगों से बातचीत करनी शुरू की, तो बहुत सारे ऐसे भी लोगों से बातचीत हुई जिनके पास 100-100 साल पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं। कोई उन्होंने अपने जो पुश्तैनी जायदाद में उनको मिलता है, कभी कोई किसी का कोई पेन है, कोई पेंसिल है, कोई ऐसा सिक्का पड़ा हुआ है, या कोई ऐसा कोई औजार पड़ा हुआ है जो अब नहीं मिलता, तो वो सारी चीज़ें म्यूजियम वर्दी होती हैं। वो अगर मैंने अभी रिसेंटली बात करूँ तो रिसेंटली मुझे पता लगा कि किसी के पास 75 साल पुराना घड़ा पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो अब नहीं मिलती हैं, वो सारी सारी चीज़ें जो रेयर हो गई हैं, वो म्यूजियम वर्दी होती हैं। क्योंकि उससे जैसे सर ने बताया अभी कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगाया जाता है, कल्चर के बारे में पता लगता है, सोशल इंटरेक्शंस के बारे में पता लगता है, तो वो चीज़ें जो एक किसी के घर में पड़ी हुई हैं उसको लगता है मेरे पास तो वेस्ट पड़ी हुई है, लेकिन अगर हम उसको म्यूजियम के आस्पेक्ट से देखें तो हमें पता लगता है कि वो कितनी कीमत की हैं। मार्केट की बात करें, वो चीज़ें लाखों करोड़ों में बिकती भी हैं, सब चीज़ें नहीं, पर कुछ चीज़ें की कीमत ऐसे लगाई जाती है, पेंटिंग्स की कीमत लगाई जाती है। कब किस चीज़ के बारे में लोग किस चीज़ की तरफ दौड़ पड़े ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो वो चीज़ें मैं सभी से आग्रह करूंगा, आप सब बच्चे जो हैं सुन रहे हैं या जो लोग देख रहे हैं, अगर आपके घरों में कोई ऐसी चीज़ आपकी पुरानी पड़ी हुई है जो चीज़ म्यूजियम वर्दी है, जो बहुत पुरानी है, रेयर है, उसको कृपया वेस्ट ना करें। मैं कुछ चीज़ों के नाम लेता हूँ, मुझे बहुत सारे पुराने कैमरास मिले, जब कैमरास नए नए चले थे वो कैमरास अब लोगों ने डिस्कार्ड करके फेंक दिए कि इसका क्या करना है, बट वो कैमरास का भी म्यूजियम होता है। कुछ लोगों ने क्या किया कि जो हाथ से लिखे हुए खरड़े थे, जो हाथ से लिखा हुआ हाथ लिखत होती है बहुत पुरानी, अब उसकी एक ही कॉपी थी, उसकी कोई दूसरी कॉपी भी नहीं है, वो कॉपीज को भी उन्होंने फेंक दिया कि अब डिस्ट्रॉय कर दिया, कि अब इसको कोई पढ़ नहीं सकता, उर्दू में लिखा है, फारसी में लिखा है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन वो पंजाब या उसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी हुई चीज़ थी, उसको डिजिटाइज करवा के उसको म्यूजियम में रखा जा सकता था, या हाथ के लिखित को ही म्यूजियम में रखा जा सकता था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सोशल इंटरेक्शन के दौरान हमें मिली हैं कि जिसको वो वेस्ट समझ के फेंक दिया जाता है, या जैसे सर ये टर्टल का दिखा रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे कभी कभी खुदाई से कभी कोई निकलाई कोई चीज़, ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता है कि हमारे काम की नहीं है, तो कृपया उसको वेस्ट में डालने से पहले, उसको वेस्ट को वेस्ट उसको एक्चुअली उसको वेस्ट बना देने से पहले, उसकी म्यूजियम वर्थ ज़रूर किसी जानकार से जांच करवा लें। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं एक इनिशिएटिव यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, जो पंजाब है, पंजाब के आसपास का एरिया है, पंजाब पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, और उसका जो एरिया है उसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए पंजाब डिजिटल लाइब्रेरी एक एनजीओ है जो काम कर रहा है, उसको डिजिटाइज करने में पूरा सहयोग देता है वो, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, तो वो चीज़ों को वेस्ट ना बनाया जाए ताकि उसका भी म्यूजियम बने। तो जो डिजिटल म्यूजियम है वो भी आजकल ओपन होने शुरू हो गए हैं,
तो मेरे ख्याल सर वापस आ गए, एक बार सर से दोबारा बातचीत करते हैं, फिर एक बार आखिर में इन सब चीज़ों पे दोबारा बातचीत करेंगे। सर तो एक बात आपकी हम तक बिल्कुल ज़रूर पहुंची है कि जो रेयर चीज़ें हैं वो म्यूजियम में रखी जा सकती हैं, अलग अलग चीज़ों को म्यूजियम बनाया जा सकता है। आप आगे बढ़िए ताकि और हम जानकारी ले पाएं कि लोकल लेवल पे हम किस तरह के म्यूजियम्स बना सकते हैं। ओके सर अभी तक वापस सीट पे नहीं पहुंचे हैं, वो अपना जो बैटरी का है उसको लगाने के लिए गए हैं शायद। तो एक बार मैं दोबारा अपनी बातचीत को आगे बढ़ाता हूँ। तो मैंने अभी आपसे बातचीत करी वेस्ट के बारे में कि वेस्ट को मैनेज करना किसी की भी प्रायोरिटी नहीं रहा शायद इन दिनों में। कुछ बहुत कम गिने चुने लोग हैं जो वेस्ट को उसके अंदर की वेल्थ को समझ पा रहे हैं। तो मैंने आज आपसे जो अभी जिक्र किया कि जो हमारे घरों में बहुत पुराना रेयर सामान पड़ा है उसका म्यूजियम बनाया जा सकता है, और मेरा जो ओरिजिनल सवाल था कि लोकल लेवल पे म्यूजियम्स कैसे बनाए जाएं, स्कूल लेवल पे एक म्यूजियम्स कैसे बनाए जाएं, तो एक मैं उदाहरण जी जी अरुण, सर प्लीज कैरी ऑन। हमारा हमारा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो था जियोल का, और वो सानी साहब और खानपुर साहब की कुछ बातचीत हुई, वो कंपनी से कहा गया कि हम आपको बायबैक में नहीं दे रहे और इसको साइंस सिटी में रख देते हैं एज ए एग्जिबिट। तो वो एक उदाहरण देखिए आप, नहीं तो बड़ी बड़ी लैब्स जो हैं पुराने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कहीं पे भी बेच डालती हैं और वो फिर कबाड़ी के पास जाता है बिल्कुल होता है और सर, और ये यही बात मैं एम्फेसाइज कर रहा था अभी कि जो ऐसी चीजों को हम वेस्ट नहीं होती हैं वेस्ट बना देते हैं, जबरदस्ती वेस्ट बना देते हैं। वो तो साइंस सिटी में तो अमर हो गया ना, हमेशा के लिए रहेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल अब मेरे पास कुछ पुराने कैमरास हैं जो मैं आज की तारीख में, क्योंकि फिल्म वाले हैं, मैं यूज नहीं करता हूं। अगर मुझे मौका लगेगा कभी, अभी जाऊंगा तो पूछूंगा, तो आई वुड लाइक दोस पूरा टेली लेंस और वाइड एंगल लेंस और पूरा का पूरा एक साइंस सिटी में एग्जिबिट रखा जाए। अब हमारे जो टू इन वन थे पुराने पैनासोनिक के बड़े बड़े जो हम लेके आते थे विदेश से जाके, आज की तारीख में कम से कम पढ़ाने के लिए तो वो काम आ सकता है ना। तो मैं आई कुड नॉट, मैंने कहीं मिसप्लेस कर दिया है अपना चार्जर जो इसका, पर आई थिंक देर इज इनफ बैटरी फॉर अस टू लास्ट टिल माई टॉक, एंड मेरी ये टॉक फ्लॉप नहीं होगी बिकॉज ऑफ दी बैटरी गोइंग अवे। तो मैं आपके लिए सर फटाफट, एक प्रश्न भी यहाँ पे आया है हमारे पास, वो प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ। मैडम भवलीन कौर ने पूछा है डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिकल म्यूजियम एंड साइंटिफिक म्यूजियम। वो हिस्ट्री जो है इंसान के साथ जुड़ी है, जितनी इंसान की जिंदगी है और आदर उसके भी कितनी होगी, जो इंसान तो कई लाखों साल पहले से है, पर तो हिस्ट्री इज इन हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज इन मिलियंस ऑफ इयर्स। तो वो इंसान तो जिसको, अगर धरती का इतिहास टोटल आप 1 घंटा बना दीजिए 460 करोड़ साल की जगह, तो इंसान उसे 1 घंटे में 2 सेकंड पहले आया है, और आप हम लोग जो मॉडर्न मैन है आप तो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड पहले आया होगा, और अगर भविष्य देखिए तो शायद हम 1 सेकंड और रह जाए उस घंटे के इतिहास में, तो हमारा सौभाग्य होगा। पर हमारी जो करतूत है, इस वक्त का जो जीवन स्टाइल है, जितना पॉल्यूशन है, हम बहुत ज्यादा देर तो धरती पे नहीं बचेंगे, हमारे बाद में आने वाली पीढ़ियां हमारे फॉसिल्स को स्टडी किया करेंगी अगर इंसान पूरा ही बिल्कुल ही विलुप्त नहीं हो गया, एक्सटिंक्ट नहीं हो गया। बट नेवर्थलेस लेट मी क्विकली कम बैक टू माई प्रेजेंटेशन। अरुण अपने पास कितना टाइम है अभी? सर ऐसा है कि एक रिक्वेस्ट आई है कि थोड़ा सा और इंटरेक्टिव कर लेते हैं, आपकी बैटरी में उसमें है, तो मेरे ख्याल हम इसको 2 हिस्सों में तोड़ लेते हैं, जो बाकी प्रेजेंटेशन है अगर हम उसको नो नो, अगर मैं इन आई जस्ट रन थ्रू दीज स्लाइड्स, बीच में मैं फिर बंद कर दूंगा, अगर कहीं पे ये बैटरी चली जाती है तो वी विल स्विच टू मोबाइल, राइट सर बातचीत बातचीत जो है वो मोबाइल से हो जाएगी, और मैं मोबाइल तब अगर ये जाएगी तो मैं अपना मोबाइल ऑन कर लूंगा, अभी मैंने इसको ऑफ रखा तो हुआ आप सर जो आपकी प्रेजेंटेशन आप जो हमें दिखाना चाहते हैं प्लीज वो दिखा दें, और मैं उसके बाद फिर उसी थोड़ा बातचीत का सेशन फिर करते हैं रनिंग थ्रू सर। इट। आप ये देखिए, ये काफी पुरानी तस्वीरें हैं, ये बच्चे बड़े बड़े वैज्ञानिक बन चुके होंगे, जो भी बच्चा म्यूजियम में आता है वो
उसकी शोभित गोयल की एक एग्जाम्पल है आपके सामने कि 9th क्लास में आया था और उससे पहले 7-8 साल से वो नेचुरल हिस्ट्री में इंटरेस्टेड था और आज की तारीख में वो IIT खड़गपुर का स्टूडेंट होके आया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी कर रहा है। तो ये बच्चे जब म्यूजियम में आते हैं तो उस दिन ये इनके टीचर जो लाते हैं भगवान इनको आशीर्वाद देता है और इन बच्चों को महान महान वैज्ञानिक दुनिया के बना देता है। तो सब पेरेंट्स से कहना है कि अगर आपको अपने बच्चों को महान वैज्ञानिक बनाना है तो उनको साइंस सिटी ले जाइए, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम दिखाइए और नेचुरल हिस्ट्री में सारा विज्ञान आता है। खाली मैं तो क्योंकि जियोलॉजिस्ट हूँ तो खाली इसी की बात कर रहा हूँ। ये फिजिक्स के टीचर्स की वर्कशॉप थी फिजिक्स डिपार्टमेंट में और वो लंच टाइम में उनको बोले कि इधर में देख लो आलू वालिया का म्यूजियम देख लो। मैंने कहा भैया ये मेरे पूर्वज जो थे अमर धानी था ये उनका म्यूजियम है। मैं तो मेरे को वो भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं उनका स्टूडेंट रहा होता, बट अशोक सानी साहब कहा करते थे कि इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता कि लोग हमारे म्यूजियम में देखने आए और वो तुम्हें ढूंढे कि आओ तुम जरा हिंदी पंजाबी में और अंग्रेजी मिक्स में थोड़ी बातचीत कर दो। बहुत सारी वर्कशॉप ऐसी हुई हैं जब ये कहा गया कि अभी कुछ ही साल पहले प्रोफेसर अरविंद जो आज की तारीख में वाइस चांसलर हैं पटियाला में, वो मैं दिल्ली से आ रहा था तो उनका फ़ोन आया कि मुझे आई नीड समबडी जो हिंदी में बात कर ले पंजाबी में बात कर ले म्यूजियम में 3 घंटे के लिए, क्योंकि वो बच्चे पंजाब से आए हैं इंटीरियर से और वो अंग्रेजी नहीं समझते। और प्रॉब्लम ये रहती है कि जब भी हम म्यूजियम जाते हैं लोग इतनी अंग्रेजी बोलते हैं कि बच्चे हम उन्हें लगते हैं। तो वो 3 घंटे तक बातचीत चलती रही क्योंकि वो हिंदी पंजाबी में थी। और अब नई एजुकेशन पॉलिसी भी ये कहती है कि आप लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाइए क्योंकि अंग्रेजी में आप पूरे हिंदुस्तान को विज्ञान नहीं पढ़ा सकते, आपको बंगला में तेलुगु में तमिल में पंजाबी में मराठी में बातचीत करनी होगी। अब बिलवाद के भाषा का एक बंधन ना रखिए विज्ञान में, विज्ञान तो विज्ञान होता है उसकी अपनी भाषा होती है। ये बड़ी तकरीबन 18-20 साल पुरानी एक स्लाइड है चिचन गाँव की 14,000 की हाइट की। ये टीचर हैं जिन्होंने मुझे रात को दाल चावल खिलाया था और ऐसे ही जो गप मैं आपसे मार रहा हूँ इनसे भी लगाई थी। तो ये मॉर्निंग में बोले कि आप मेरे इन स्टूडेंट से जरा बात कर लीजिए और उन्होंने इससे बिफोर ये मैं हूँ इससे पहले कि मेरे को हाँ बोलते हैं उन्होंने एक सीटी मारी और सारे बच्चे आ गए और हमारी 15-20 मिनट में ही इस पूरे गाँव से बातचीत हो गई। हमने कहा कि आप जुरासिक रॉक्स पे हो, इट सीम्स दैट कि उनका ऐसा लगता है कि जो हम सोच रहे थे कि बैटरी आउट होने की बात, वो बैटरी उनकी आउट हो गई है, बट मुझे लगता है कि वो जल्दी ही ज्वाइन करेंगे वापस मोबाइल के ज़रिए। तो जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हम लोगों के यहाँ पे हैं अभी जिनसे थोड़ा सा इंटरेक्टिव बातचीत करते हैं, जो लाइव हमें देख रहे हैं बातचीत करते हैं जब तक वो ज्वाइन करते हैं, तो नहीं तो हम इसका जो हम बातचीत कर रहे थे उसका पार्ट 2 करेंगे और उस पार्ट 2 में हम लोग उनसे बातचीत फर्दर करने की कोशिश करेंगे। जो आज का हमारा विषय हम लोगों ने चूज़ किया टीचर्स डे के ऊपर म्यूजियम्स के बारे में, तो म्यूज़ियम को एज ए टीचर ही हमने यहाँ पे लिया। म्यूज़ियम अपने आप में एक ऐसी अनोखी जगह होती है जो किताबों को नई रोशनी में देखने में हेल्प करती है। म्यूज़ियम के अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं, अगर मैं टारगेट करूँ अगर साइंस की बात करूँ तो साइंस का जो म्यूज़ियम है उसके बारे में चर्चा सर ने ज्वाइन कर लिया है वापस। सर तो जी वो कोई बात नहीं सर, वो अंडरस्टैंड जी जी भगवान नो भगवान की यही मर्जी थी कि स्लाइड हो ली, अब थोड़ी सी बिल्कुल बातचीत हो जिसमें हम किसी स्लाइड पर निर्भर ना हो। इनफैक्ट अक्सर मेरी किसी बातचीत में बिजली चली गई या CD फेल हो गई या LCD फेल हो गया तो वो बातचीत सबसे बढ़िया होती, क्योंकि इस बातचीत को बढ़िया बनाते हैं सर। और जो हम बातचीत कर रहे हैं इसी टेक्नोलॉजी पर निर्भर जो बातचीत होती है वो उसकी एक लिमिट होती है, पर जो बातचीत ऐसे होती है एक कैजुअल गपशप होती है
उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। जी, तो इसी को हम उसी दिशा में देखते हैं। और मैं जो आपसे या फर्दर अब जानना चाहता हूँ, जो हमारा अभी 15-20 मिनट हम लेंगे इसी बातचीत के ऊपर, अगर किसी का सवाल होगा तो वो भी इनवाइट करेंगे। तो सर, जो ये म्यूजियम की हमने बातचीत करी, आपने एक अभी म्यूजियम जियोलॉजी का हमें म्यूजियम हमें दिखाया है ना, जियोलॉजी का। तो जो जियोलॉजी का, I'm glad तुम आज जियोलॉजी बोल रहे हो और जूलॉजी नहीं बोल जी, तो ये जियोलॉजी का म्यूजियम आपने मैं बताया, अगर इसका मैं सिग्निफिकेंस बच्चों के लेवल पे लगा के चलूँ, तो जब पहले खेल भी खेलते थे, गीटे खेलते थे, स्टपू खेलते थे, तब भी कुछ छोटे छोटे टुकड़ों के साथ खेल खेला जाता था, और बहुत अच्छे टीचर हुआ करते थे वो टुकड़े भी। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो म्यूजियम के अंदर अच्छी लगती हैं, कई चीज़ें म्यूजियम के बाहर भी अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें किताबों में अच्छी लगती हैं, तो बैलेंस एक होना चाहिए। तो थोड़ा सा आप हमें ये बताइए कि जो बच्चे चंडीगढ़ जैसी सिटी में रहते हैं जहाँ म्यूजियम्स हैं, जहाँ एक्चुअली म्यूजियम्स हैं, तो क्या किस तरह से सिलेबस में उनको जेल किया जाना चाहिए, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, महीने में सर एक विजिट, दो विजिट, कैसे विजिट प्लान की जानी चाहिए, टीचर्स को थोड़ा सा गाइड सर करें कि वो किस तरह से उसको प्लान करें। हर स्कूल में बच्चे और टीचर्स की एक विजिट आई वुड से महीने में एक होनी चाहिए। और क्योंकि सारे बच्चे एकदम से इकट्ठे तो जाएंगे नहीं म्यूजियम में, तो इसलिए एक विजिट महीने की। और फिर हम पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट्स को भी ये एडवाइस करें कि स्कूल की एक लिमिट होगी ले जाने की, उनकी हफड़ा दफड़ी भी होगी साहब, बस ने घर जाना है, ड्राइवर वेट कर रहा होगा और पेरेंट्स परेशान होंगे। तो पेरेंट्स खुद, क्योंकि जो 10 सेक्टर का म्यूजियम है वो सैटरडे संडे को वर्किंग है, वो जा नहीं पाएंगे, तो शाम को कम से कम घूमते घुमाते जाएंगे। और आज की तारीख में तो आप कहीं भी नहीं जा पाइए, तो यूट्यूब खोलिए ना और जापान से एकदम से मारिए झटका और पहुंच जाइए वॉशिंगटन डीसी और फिर लंदन आ जाइए। तो दुनिया बड़ी छोटी हो गई है। ज्ञान विज्ञान सीखने की अगर कहीं आपकी इच्छा शक्ति है तो भगवान आपके साथ है, कोई रोक नहीं सकता। अब आपके सामने एग्जाम्पल है, मेरा नया नया लैपटॉप था, उसका चार्जर मैंने कहीं टिका दिया और वो फ्लॉप हो गया। तो अपना मोबाइल फोन तो है ना, इससे बढ़िया कोई लैपटॉप नहीं है इस मोबाइल फोन से। आज की तारीख में हर बच्चा इसको यूज कर रहा है ऑनलाइन एग्जाम के लिए, ऑनलाइन स्टडी के लिए। सो जी म्यूजियम विजिट्स कैन शुड बी वर्चुअल वेयर, एंड स्पेशली आप चंडीगढ़ में हैं, ठीक है, आप 10 सेक्टर का म्यूजियम देख लेंगे। अब यूनिवर्सिटी वाला म्यूजियम तो फ्राइडे तक ही देखेंगे ना, सैटरडे संडे तो बंद है ना। वैसे चाहिए ये यूनिवर्सिटीज को पूरे देश में, पूरी दुनिया में जैसे होता है कि म्यूजियम जो है खुला रहे वीकेंड्स पे। जी, तो मैं आपकी जो दो तीन और बातों ये समझाऊं कि पहला तो ये आप कहते हैं कि वो सिलेबस के अंदर जेल ऐसे होना चाहिए कि पूरे स्कूल के बच्चे जाके उसको देख पाएं, और क्योंकि म्यूजियम सिर्फ एक ही तरीके के नहीं होते, म्यूजियम भी कई कई तरीके के होते हैं। तो शायद मैं ये कहना चाहूंगा ऐड करके आपकी बात में कि जितने तरह के म्यूजियम हैं उनको सिलेबस के हिसाब से प्लान किया जाना चाहिए कि कब कौन सा चैप्टर करवाया जाएगा, कितना सिलेबस पहले टर्म में कवर हो रहा है, कितना दूसरे टर्म में कवर हो रहा है, उस टर्म के हिसाब से म्यूजियम चूज करके वहां पे जाना चाहिए। तो हम, क्योंकि आज हम लोग जितना भी काम सोशल सब्सटेंस में करते हैं तो वेस्टेज किसी भी तरीके की हम अवॉइड करने की सलाह देते हैं। तो हमने कुछ स्कूलों के साथ काम करके ये भी पाया है कि म्यूजियम की विजिट जब प्लान की जाती है, अब्रप्टली प्लान कर ली जाती है, जब ना उसका सिलेबस चल रहा होता है ना कुछ और चल रहा होता है, तो वो जाके वहां जाके टीचर भी लॉस्ट हो जाते हैं, बच्चे भी लॉस्ट हो जाते हैं, उनके लिए वो पिकनिक बन के रह जाता है, वो म्यूजियम का पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, यहाँ पे कहना चाहूंगा उन सभी टीचर्स को। एक मिनट, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट। म्यूजियम में जाके खो जाना भी तो एक स्टाइल है देखने का, जिसकी जो मर्जी हो जहां मर्जी जाए, अल्टीमेटली तो बाहर से ही निकलेगा ना गेट से। बच्चा म्यूजियम में कभी खोता नहीं है, वो उस तरफ जाता है जो उसको रोमांचक लगता है, जो उसको दिल को भा जाए। अब इतना बड़ा म्यूजियम है, अगर उनको बोलो भाई तो इधर से चलना है, उधर से चलना है, और ऐसे जाना है, लाइन लगा के जाना है, कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जी, तो मेरा पॉइंट ये था कि वहाँ एक गाइड की व्यवस्था भी होती है म्यूजियम्स में, और प्रोफेसर अरुणदीप आहलूवालिया जी की सर्विसेज भी हमेशा वो तत्पर रहते हैं कि अगर कोई उनसे सीखना चाहे, कोई गाइडेंस लेना चाहे, तो जब भी कोई म्यूजियम विजिट करे तो चाहिए टीचर्स को कि पहले म्यूजियम में खुद एक विजिट करके वहाँ जो जितने भी तमाम सुविधाएं हैं उसके बारे में लिस्ट बना के रखे, ताकि जब बच्चों को वहाँ लेके जाएं तो
तो कई चीजों के बारे में टीचर को पहले से ज्ञान हो कि किस तरह से म्यूजियम के अंदर विजिट करना है। हाँ ये सही है कि वहां अरुण जाके बच्चा अगर कहीं अरुण विजिट, अरुण नो नो अरुण, म्यूजियम में जाने के लिए आप किसी पे निर्भर नहीं है। म्यूजियम में कोई भी ना हो तो म्यूजियम खुला है, घूमिए एक बार, देखिए जो आपको ठीक लग रहा है, क्योंकि बहुत कुछ वहां पे एक्सप्लेन्ड होता है। म्यूजियम इज सेल्फ सफिशिएंट। ये किसी अरुण अहलूवालिया या अशोक साहनी या राजीव पटनायक पे निर्भर नहीं होता। म्यूजियम म्यूजियम तो खुली किताब है, जो गया ये तो ग्रंथ है। एक म्यूजियम रामायण है, एक म्यूजियम ही गुरु ग्रंथ साहब है, यही बाइबल है कुदरत की। तो जो गया उसने कुछ ना कुछ ग्रहण कर ही लेना है। वो प्रसाद जो है कुदरत का, वो उसको आंखों के जरिए मिल जाएगा। किसी गुरु की जरूरत नहीं है। किताब के लिए आपको किसी गुरु की जरूरत हो सकती है। म्यूजियम समझने के लिए आपको, हर किसी की अपनी फिजिकल स्टैमिना है, कोई चल सकता है, ज्यादा देर कोई नहीं चल सकता है। पेरेंट्स गए या ग्रैंड पेरेंट्स गए, वो थक गए, बच्चा है छोटा या कोई व्हीलचेयर में है, उसको अपनी प्रॉब्लम है। तो म्यूजियम की अपनी, जिसको बोलते हैं एक इंडिपेंडेंट चॉइस, हर किसी की टाइमिंग की और स्पीड की वो रहनी चाहिए। जहां आपने सबको बांध लिया, फिर वो थक जाएंगे और एक बोरियत आ जाएगी। तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी इज अ मस्ट। और जो ना जा पाए, उसको कोई मजबूरी हो, तो वहां पे डंडा नहीं चलाना चाहिए कि कुछ, कोई बात नहीं, कोई जो बच्चा नहीं जा पाया वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ चले जाए, पेरेंट्स के साथ चले जाए, या दोस्त लोग मिलके इकट्ठे चले जाए। ये जो तुमने कहा ना अभी, 10 सेक्टर में डीएवी कॉलेज में एक फायर कैंप था, तो वहां मैंने पूछा कि आपके बगल में 50 गज दूर तो म्यूजियम है, आपने म्यूजियम की विजिट क्यों नहीं रखी? तो पता लगा, क्योंकि वो लड़के लड़कियां इकट्ठे थे, तो टीचर्स को उसमें रिस्क लग रहा था कि मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी। अरे जिम्मेदारी तो पेरेंट्स की भी होती है, टीचर्स की भी होती है। तो इस तरह के दहशत नहीं होनी चाहिए, कोई इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। लेट एवरीबॉडी डू एज पर हिज और हर कन्वीनियंस, बी इट अ टीचर, बी इट अ स्टूडेंट, बी इट अ पेरेंट। तो जो चीज जिसमें कंपल्शन डाल दो, वहां पे बोरियत आ जाती है। जी, आप उसको वॉलंटरी मैं आपकी बात को रखो, आगे, मजा मजा है। जिसको मजा आ गया वो बार बार जाए। जिस पेरेंट को ये पता लग गया कि मेरे बच्चे की एक एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गई, ज्ञान लेने की भूख बढ़ गई, वो बार बार ले जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल दे के बंद करूंगा अपनी बात को, जी बाद में आप यू कैन पिक अप। सिनेटी में आई वेंट विद अ ग्रुप टू नायग्रा गॉर्ज फॉर फील्ड वर्क। मैंने देखा टीचर्स और रिसर्चर्स के साथ में, यूनिवर्सिटी के एक वैन था जो बच्चों का भरा था। तो कुछ बच्चों के साथ आई वाज शेयरिंग द रूम, मैंने उनसे पूछा तुम कौन सी क्लास में हो, तो वो तो 9th 10th के बच्चे थे, कुछ उससे भी छोटे थे। पूछा हाउ कम यू आर विद द यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स एंड प्रोफेसर्स, तो उनका जो रिसर्च स्कॉलर जिसको प्रोजेक्ट मिला हुआ था आउटरीच का, बच्चों को एक्साइटमेंट करने का, उसने कहा यूएस सेनेट का ये फंड है जो हमें मिलता है फॉर आउटरीच, और हमारे लिए मैंडेटरी है कि जब हम अपने एक्सकर्शन पे जाएंगे, हम स्कूल की वैन लेके जाएंगे, और उनमें भी वहां पे उनको चॉइस है जाने की या ना जाने की। बाद में ये ऑब्जर्व किया गया कि जो बच्चे इस तरह की एक्सकर्शन पे गए थे, वो एक्सकर्शन उनकी स्टडीज के लिए रेलेवेंट थी कि नहीं थी, पर उनका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा और उनकी परफॉर्मेंस इन ऑल अदर स्टडीज वॉज मच बेटर देन बिफोर। तो एक एक्सकर्शन धर्मपुर की या कसौली की या शिमला की या नाडा साहब की, आपको अपने हर दूसरी एक्टिविटी में ज्यादा परफेक्ट बनाती है, ज्यादा कैपेबल बनाती है। सो हर आउटिंग, अब जैसे आई वुड टेल द ऑडियंस, अरुण हैज टू वेरी ब्राइट सन्स जो बड़े भारी अरुण के भी गुरु बनने वाले हैं, और उनकी जो कैपेबिलिटी है, जितनी वो इंटरनेट से यूट्यूब से सीखे हैं,
और इंसाइक्लोपीडिया से और ऐसी विजिट से सीखे हैं। तो अरुण इज नॉट जस्ट ए वॉलंटियर, ही इज अ ग्रेट फादर एंड अ वेरी सक्सेसफुल पेरेंट। तो एक एग्जाम्पल, अरुण अपनी एग्जाम्पल खुद तो नहीं देगा ना, तो दूसरा अरुण दे सकता है, मैं भी, मेरा नाम भी अरुण है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल, पेरेंट्स हैव अ लॉट टू गेन बाय आउटिंग्स विद द किड्स, बी इट इन हिल्स, बी इट इन द रिवर वैली, बी इट टू सुखना लेक, बी टू रॉक गार्डन, बी टू म्यूजियम। हर आउटिंग जो है नेचर की, वो एक म्यूजियम की आउटिंग मानूंगा मैं उसको। हम चार दीवारी वाले को म्यूजियम बोलते हैं, एक छोटी साइंस सिटी लाइक साइंस सिटी को साइंस सिटी बोलते हैं। कुदरत से बड़ा म्यूजियम और कुदरत से बड़ी साइंस सिटी कोई नहीं है जी। सॉरी बहुत ज्यादा लंबा भाषण जा रहा जी है। जी, तो मेरी एक जिम्मेदारी ये भी है कि बातचीत को एक डायरेक्शन की तरफ लेके चलूं, और डेफिनेटली आपने जितनी बात की उसमें काफी सारी ऑब्जर्वेशन है मेरी भी, और इसको और बैलेंस बनाने के लिए मैं कई सारी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, पर क्योंकि इस बातचीत को मुझे वाइंड अप भी करना है तो मैं अभी उस चीज़ को नहीं टेकअप करूंगा। किसी सेपरेट सेशन में मैं उस चीज़ के बारे में ज़रूर बातचीत करूंगा कि जो प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं टीचर्स को और स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को, वो डेफिनेटली कंसीडर करने के बाद ही हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। तो मैं जब भी बातचीत कर रहा हूँ तो वो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट का ध्यान में रख के कर रहा हूँ, और सर का अपना अनुभव है उस बारे में। तो मैं जो अभी फर्दर बातचीत को आगे बढ़ाते हुए जो टीचर्स के बारे में, बच्चों के बारे में बात कर रहा था, सिलेबस के बारे में जल करना ज़रूरी है, म्यूजियम के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चों को फ्रीडम देना, फ्लेक्सिबिलिटी देना ज़रूरी है, ताकि अगर कोई बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, 50 बच्चों में से अगर 5 बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो उनको रिपीटेड वर्कशॉप्स देना या म्यूजियम जाना भी ज़रूरी है। तो वो चॉइस करना भी बड़ा ज़रूरी है कि किसको ज़्यादा चाहिए, किसको कम चाहिए, बैलेंस बनाना चाहिए। तो आगे सर बात बढ़ाते हैं थोड़ा सा, आप ज़रा आप एक जनरल पब्लिक को थोड़ा सा अपने व्यू पॉइंट से बताइए कि अगर मान लीजिए मैं हूँ, मैंने कोई चीज़ देखा, तो मुझे कैसे पता लगेगा ये चीज़ें म्यूजियम वर्दी है कि नहीं। तो आप कोई चीज़ देखते हैं, आपको क्या लगता है कि ये चीज़ को म्यूजियम में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, कुछ 2-3 पॉइंटर बस सर, मैं चाहूँगा आप डिटेल में आप ना कहें, आप थोड़ा संक्षेप में 2-3 पॉइंटर अगर आप बताएं। और मैं चाहूँगा जियोलॉजी का तो आप करते ही करते हैं, लेकिन उससे बाहर की चीज़ें भी, जैसे आपने कैमरा पॉइंट आउट किया, तो मैं कुछ रिसोर्सेज बताऊँगा जहाँ हम कैमराज को भी रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो हम लोग एक म्यूजियम है पटियाला में, म्यूजियम है सेखो साहब, उसको डील करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे म्यूजियम जो पब्लिक ने बनाए हैं, पब्लिक के लिए बनाए हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हैं, गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक के लिए बनाए हैं, या कोलेबरेटिव म्यूजियम है, उसके बारे में बातचीत होगी, वहां तक बात पहुंचेगी। तो सर आपका क्या व्यू पॉइंट है कि आप आम जनता को कैसे बताएंगे, कैसे वो क्या अपनी आंख रखें, क्या पॉइंटर रखें कि ये चीज म्यूजियम वर्दी है कि नहीं? ये जो चीज आपको क्यूरियोसिटी देती है वो आप धीरे धीरे करके जान जाएंगे कि ये आपके घर के म्यूजियम के लिए है, आपकी पर्सनल कलेक्शन के लिए है, इवन घर में किसी के लिए कोई सैंपल एक क्यूरियोसिटी है, क्यूरियो है, एक एक्साइटमेंट है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। घर में अक्सर मियां बीवी में भी तकरार हो जाती है कि साहब वो कहते नहीं ये तो मेरा सैंपल है, उसके लिए कबाड़ हो सकता है। तो ये पर्सनल डिसीजंस हैं, फैमिली डिसीजंस भी होंगे, इंस्टीट्यूशन के भी डिसीजंस होंगे, फिर बाद में सरकारें देखेंगी। अब रॉक गार्डन आपके सामने के एग्जाम्पल है, वहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं जानते कि रॉक गार्डन में जो नेकचंद जी ने चट्टाने चीनी हैं, उसमें हिमालय की ही चट्टाने हैं सारी की सारी, जो शिवालिक बोल्डर बेड से आई हैं, और उसमें हिमालय की बहुत सारी चट्टानों का एक खुला म्यूजियम है। इनफैक्ट जो चंडीगढ़ अर्बन फेस्टिवल हुआ था, मैंने उनको बोला था कि म्यूजियम में आइए, म्यूजियम में तो वो आ गए, तो वो पहले रिलक्टेंट थे, पर बाद में उनके लिए बड़ी भारी एक एक्साइटमेंट लगी कि एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने 9 दिन जो है सवेरे से रात तक वॉलंटरी ड्यूटी करी। तो मैंने कहा मेरा बस चलता है तो मैं इनको रॉक गार्डन में जाके भी वो रॉक सिखाता जो पुराने जमाने के बायोहम्स है, लाइमस्टोन है मोरनी का या टुंडा पत्थर का यहाँ पे लगा हुआ है, हिमालय से हर पत्थर जो है इधर की तरफ आया है ना, साउथ की तरफ, तो वो उसमें एक सॉर्ट ऑफ एक कॉन्ग्लोमरेशन हो गई, एक सैंपल हिमालय का इकट्ठे हो गया। तो 10 सेक्टर में जैसे हमने बड़े बड़े रॉक चंक्स लाके क्रेन से उठा के, जो जियोलॉजिस्ट नॉर्मली हिमालय एक हथौड़ी लेके जाता है, बैग में लेके आता है अपने,
तो वो क्रेन वाले जो थे, मेरे को ये आइडिया एरिजोना से आया था कि आप बड़े बड़े रॉक चंक्स जो है रखिए, जो म्यूजियम सैंपल हो बाहर में, ओपन एयर, वो अंदर नहीं रख सकते आप। तो ये कई सारी इनोवेशन है इसमें, ओरिजिनल थिंकिंग है, जी और कुछ कुछ रहेंगे, कुछ रद्दोबदल होगी, कुछ रिसाइकल होंगे, कुछ रोटेट होंगे। इनफेक्ट शुरू में हमारी ये आइडिया था कि हम लेने जा रहे हैं तो बार बार क्यों जाएंगे, तो हमने ये सोचा था कि जो हमारे पास डुप्लीकेट हो जाएंगे वो हम साइंस सिटी को दे देंगे 10 सेक्टर से। अभी क्या है, म्यूजियम 10 सेक्टर में जो ओपन एयर रॉक गैलरी है जो मैंने बनाई थी, वो बीच में रह गई पिछले डायरेक्टर साहब के जाने के बाद। तो उसमें कुछ डुप्लीकेट्स हैं, जैसे मोरनी का स्टोमेटोलिटिक लाइमस्टोन, बायोमल लाइमस्टोन है तकरीबन 120 साल पुराना, करोड़ साल पुराना, तो उसके कुछ सैंपल्स पुष्पा गुजराल साइंस सिटी में जा सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ सैंपल्स राजस्थान से यहाँ आ सकते हैं, दिल्ली में आ सकते हैं, चंडीगढ़ में आ सकते हैं, जी कुछ हिमालय के साउथ में जा सकते हैं, कुछ साउथ के यहाँ आ सकते हैं। जी तो तो मैं बातचीत को पूरे सर देश, थोड़ा सा एक दिशा में ले जाने के लिए, मैं जो निजी म्यूजियम्स की बात कर रहा था, कुछ म्यूजियम्स मैं भी यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग कॉइन्स को भी इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे लोग अगर आप देखें कुछ ब्लेड्स को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, कुछ स्पून्स को अलग अलग तरह के, कुछ कटलरी को अलग अलग तरह के इकट्ठा करते हैं, इवन वो भी म्यूजियम का रूप ले लेते हैं। लेकिन एक म्यूजियम है जो हम लोग आम घर के लोग वेस्ट करते हैं, मैं उस म्यूजियम की बात करना चाहूँगा और इस प्रोग्राम के माध्यम से उन लोगों से भी कहना चाहूँगा वैसा म्यूजियम ना बनाएं। हमारा जो समाज है उसमें आमतौर पे कपड़ों को घरों में इकट्ठा करते जाते हैं, वो वार्डरोब्स भर जाते हैं, वो म्यूजियम नहीं बनेगा आपका। अल्टीमेटली वो बाद में आपके कपड़े कहीं आप वेस्ट कर देंगे। तो इस तरह की चीज़ें, जो भी चीज़ें आप अपने इग्नोरेंस से इकट्ठा करते चले जाते हैं, प्लीज़ वो आपके म्यूजियम का पार्ट नहीं बनेगी। उनको किसी ना किसी ज़रूरतमंद को टाइमली दे दें ताकि वो चीज़ उसके काम आ सके। तो वेस्ट मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द पार्ट जो हम इस म्यूजियम की टॉक के जरिए साथ लेना चाहते हैं। और दूसरा, जो लोग कॉइन्स इकट्ठा करते हैं या ऐसे पुराने सिक्के इकट्ठा करते हैं, पुराने नोट इकट्ठा करते हैं, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप 7वीं क्लास में पढ़ते हैं तो आपके लिए 8वीं क्लास के नोट्स जो हैं काम आ सकते हैं, और आपसे जो नीचे की क्लास है उसमें आपके 7वीं क्लास के नोट्स काम आ सकते हैं। वो एक तरह के मिनी म्यूजियम की तरह काम कर सकते हैं अगर स्कूल उस तरह का म्यूजियम बना ले तो। एक लाइब्रेरी की म्यूजियम की करने की बात भी हुई है, तो जो बच्चे पास आउट हो चले जाते हैं उनकी किताबें कॉपियां जिनकी अच्छी होती हैं, तो उनका भी एक म्यूजियम बनाया जा सकता है जिसको बच्चे स्कूल में भी विजिट कर सकते हैं। तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं और म्यूजियम की बात करते हैं, तो हमें ब्रॉड माइंड होकर सोचना है कि हमें क्या चीज़ म्यूजियम के लिए रखनी है और किस तरह से हमें रखनी है आगे। तो ये हमने कुछ बातें यहाँ पे करी। सर हम जरा अब बातचीत को वाइंड अप करने की ओर चलते हैं, काफ़ी समय हमने ले लिया है, और हम इस बातचीत को ये समझ के चलते हैं ये आज एक पहला पहला पहलू है बस, एक हम इस बातचीत को ख़त्म नहीं करेंगे। मैं दोबारा सर आपसे ये आग्रह करूंगा कि इस बातचीत को जहां आज हम छोड़ेंगे उसी बातचीत को उसी बातचीत आगे टेकअप करेंगे हम, क्योंकि म्यूजियम आज हमने सिर्फ एक तरह का म्यूजियम की बात नहीं करनी है, हमने उसकी इंटीग्रेशन की बात करनी है और बच्चों को प्रेरित करना है, टीचर्स को प्रेरित करना है कि वो म्यूजियम्स अपने यहाँ भी बनाने की कोशिश करें। सर एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे कहूँगा कि जो म्यूजियम बनता है या कोई भी चीज़ कोई जिम्मेदारी उठाता है, आम तौर पे उस चीज़ में फेल्योर का बहुत बड़ा पॉइंट तब रहता है जब लोगों को लगता है ये तो मेरी जिम्मेदारी बन गई, मुझे टाइम देना पड़ गया। जब हम टाइम और रिसोर्सेज उसमें दे नहीं पाते हैं तब वो चीज़ खराब हो जाती है। तो मैंने अभी जैसे जिक्र किया कि कुछ किताबों का म्यूजियम तो आप स्कूलों में भी बना सकते हैं, कई चीज़ों का म्यूजियम बना सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा मैं पॉइंट यहाँ टच करें कि आप तो म्यूजियम इतने सारे आपने डील किए हैं, क्या वाकई में म्यूजियम के रख रखाव में बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारे लोग लगते हैं? ये थोड़ा सा आप थोड़ा टच करें ताकि जो हमारे सुनने वाले हैं उनको म्यूजियम के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में भी पता लगे। कई तरह के, अगर आपके पास फोर वॉल्स में स्पेस नहीं है, जी बाहर का जो ओपन स्पेस है, जैसे 10 सेक्टर में अंदर डायनो गैलरी बन गई, मैन गैलरी बन गई, ओपन स्पेस में हमने चाहा था कि हिमालय की बड़ी बड़ी चट्टानों का हम एक ओपन एयर गैलरी बना दें। तो ओपन एयर गैलरीज जो है दुनिया भर के म्यूजियम्स में हैं, तो उसमें वेदर प्रूफ उसको जैसे तैसे किया जा सकता है, और आप कुछ भी ना करना चाहें, जो चीज जहां पड़ी है कुदरत में
मैं तो जियोलॉजिस्ट नहीं बोल रहा, जो चीज जहां पड़ी है कुदरत में उसको वहीं पे रहने दीजिए, और वहां पे ही उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन एनग्रेव कर दीजिए या बोर्ड लगा दीजिए या एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से कोई वेदर प्रूफ बोर्ड से एक्सप्लेन कर दीजिए। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ जो हिंदुस्तान में बहुत कहने पे नहीं हुई, नैनीताल जाते हैं, मसूरी जाते हैं, शिमला जाते हैं, सोलन जाते हैं, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है कि ये जो चूने का पत्थर है ये 60 करोड़ साल पुराना है, ये तब बना था एक समुद्र में जब हिमालय नहीं बना था और हिंदुस्तान बहुत दक्षिण की तरफ होता था। तो छोटी छोटी जानकारी हम कुदरत के पूरे लैंडस्केप पे दे सकते हैं और वो आपको बिना चवन्नी खर्चे जो जहां है बहुत ही मिनिमल इन्वेस्टमेंट से उसको हम जियो पार्क। जियो पार्क में खाली जियोलॉजी नहीं होती, एंथ्रोपोलॉजी भी होती है, आर्कियोलॉजी भी होती है और ह्यूमन हिस्ट्री भी होती है, बड़ा कुछ होता है, कल्चर भी होता है। तो बेस्ट म्यूजियम जो होता है वो तो कुदरत में ही होता है, चार दीवारों में म्यूजियम 10 सेक्टर में होता है, यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, साइंस सिटी में हो जाएगा, चार दीवारी में कुदरत को घेरने की जरूरत नहीं है। जी कुदरत जहां है, जिस गांव में है, जिस पंचायत के दायरे में है, जिस सड़क पे है, जिस हाईवे पे है, उसको वहीं रहने दीजिए और वहीं इलस्ट्रेट कर दीजिए। अगर सर, आप कुछ भी ना कर पाइए तो उसको वर्चुअल वर्ल्ड में उसको इलस्ट्रेट करके डिस्क्राइब कर दीजिए कि आप शिमला जा रहे थे ना साहब, तो धर्मपुर पे जो आपको चट्टाने मिल रही हैं वो लास्ट मैरीन रॉक्स हैं हिमालय से पहले, हिमालय में जो है उसके बाद में दक्षाई रॉक्स जो है वो एस्टुरीन रॉक्स हैं, कसौली वाली जो रॉक्स हैं वो रिवर लेड रॉक्स हैं। तो इस तरह की चीजें बहुत सारे तरीके हैं जी ज्ञान विज्ञान को इलस्ट्रेट करने के और जी डिस्क्राइब करने के। जी तो सर, मेरे ख्याल से बातचीत उस लेवल पे आप पहुंची है जहां मैं चाहता था कि इसी बात पे जाके अंत हो उसका, और आपने बिल्कुल बकायदा हमें कहा कि नेचर में भी म्यूजियम्स हो सकते हैं। मैं सभी से, सुनने वालों से, देखने वालों से आग्रह करूंगा, आप अपने घर के आसपास देखिए। मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि हर मोहल्ले में तकरीबन कोई ना कोई ऐसी जगह ज़रूर पड़ी होती है जो बिल्कुल आपको लगता है एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, खाली जगह पड़ी हुई है जो अनयूज्ड है, बिल्कुल उसका कोई यूज़ नहीं किया गया। रॉक गार्डन का एक उदाहरण है। सर ने कहा नेचर में चीज़ें मिलती हैं, आप अपने आसपास में भी अगर वो चीज़ों का, स्कूल हैं बड़े बड़े जिनके बहुत बड़े बड़े ये ग्राउंड्स होते हैं, अगर आप उन सब जगहों का इस्तेमाल करके ओपन म्यूजियम भी बनाने की कोशिश करें तो भी शायद आपको कम से कम बजट में मैक्सिमम उसकी आउटपुट मिल सकती है। बहुत सारे स्कूल अगर आप विजिट करें तो आजकल वहाँ साइंस पार्क बने हुए हैं, मैथ के लैब्स बनी हुई हैं, वो सारी चीज़ें क्या बन रही हैं, वो एक तरह से म्यूजियम का ही तो मिनी रूप बन रही हैं। अगर उसी को क्लब कर दिया जाए अलग अलग चीज़ों के साथ तो आपके रख रखाव का जो खर्चा है वो भी कम से कम होगा, आप मैक्सिमम उसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो जो म्यूजियम्स हैं वो बनाए जा सकते हैं, उसकी पहचान करना ज़रूरी है कि क्या चीज़ उसमें रखी जाए, टारगेट करना ज़रूरी है, बैलेंस होना ज़रूरी है। मल्टीपल म्यूजियम भी एक साथ बनाए जा सकते हैं, बड़े लेवल पे सेग्रीगेट करके भी बनाए जा सकते हैं। सर बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर अभी रह गया हमारा, बहुत सारे प्रश्न हमारे पास रह गए, अगली बार के लिए बातचीत करते हैं। आज की बातचीत के लिए हम यहीं ख़त्म करते हैं। मेरे पास लाइव एक प्रश्न भी आया है विक्रम जैतका जी का, मेरे कपड़ों वाली बात सुन के कि कपड़े कहाँ दिए जा सकते हैं। सर और जो देखने वाले जितने भी तमाम दर्शक हैं, मैं सबके लिए बताना चाहूँगा, हम लोगों का एक मकसद है वेस्ट को, वेल्थ को बेसिकली वेस्ट कहने से रोका जाए और जो वेल्थ है उसको उसी की जगह पे ही ख़त्म किया जाए। तो अगर वो कपड़े हैं, घरों में कोई और सामान निकलता है, फर्नीचर है, कोई ऐसी चीज़ है जो कहीं रीयूज हो सकती है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 8360188121, आप कभी भी संपर्क करिए। किस तरीके से वो वेस्ट का यूज़ हम कर सकते हैं मैं आपको तुरंत बताऊंगा। कहीं से हम कलेक्शन करके रीयूज कर सकते हैं, वी विल डू इट, हम आपके यहीं से करवा सकते हैं वो हम कर लेंगे, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे इसको रेगुलेट कर लें। मीनवाइल जो आज का हमारा टॉपिक था उसके लिए हम यहाँ आज विराम लेंगे। प्रोफेसर अरुणदीप अहलूवालिया जी एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनको सुनना अपने आप में एक सौभाग्य से कम नहीं है। आज हमने उनको सुना, 1.5 घंटा उनका लिया हमने,
उन्होंने बहुत सारी स्लाइड्स हमें दिखाई, अपना अनुभव हम पर छिड़का, हमें ये बताया कि किस तरह से म्यूजियम आदमी की जिंदगी में और उनकी जिंदगी में भी इतना इफेक्ट किया है कि आज हम उनके बारे में इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। तो जितने भी स्कूल हैं, बच्चे हैं, टीचर्स हैं, वो ज़रूर कोशिश करें कि अपने आसपास कोई ना कोई म्यूजियम में बच्चों को विजिट कराएं, और वो दूर दराज के बच्चे, टीचर जिनके आसपास कोई म्यूजियम नहीं है, तो म्यूजियम में सिर्फ वो चीज़ें नहीं होती हैं जो एक ये कहा जाए कि पुरानी नीचे से खोद के निकलाई, या इस तरह कोई भी रेयर चीज़ जो आपके इलाके में रेयर है वो म्यूजियम का पार्ट हो सकती है। तो कोशिश करें आप अपने पास भी लोकल म्यूजियम क्रिएट करें, अपनी ही जगह पे क्रिएट करें। ज़्यादा खर्चा हम करने की सलाह, हम तो बिल्कुल भी खर्चा करने की सलाह नहीं देते। तो आपको जो चीज़ मिल जाए, जहाँ से मिल जाए, आप उसी का म्यूजियम बना सकते हैं। मतलब है बच्चों की समाज की भलाई से, उनकी पढ़ाई से, उनको जो समझ आता है उससे। सर, बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद, और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। मैं सर अभी लाइव बंद कर रहा हूँ, उसके बाद 1 मिनट आपका एक्स्ट्रा लूंगा।